एक और बार गुड आफ्टरनून सो लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोज ओल्ड मेमोरीज अगेन. क्या मजा आ रहा है. हे तू गुंडी, तू भी आई क्या? वाओ, तेरे कितने दो सर. नमस्ते. सो ऐसे बहुत दिन बाद आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ. सो आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना खुश हूँ. और जो मुझे YouTube के बच्चे देख रहे हैं उन सभी लोगों को भी मेरा नमस्ते. और सभी लोग जहाँ कहीं पर भी है आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. ऑल राइट. सो आवाज कर ना सुन. अच्छा, कितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग में? ओके, इन फाउंडेशन राइट. इंटर में पढ़ चुकी है वो? तो तुम वहां से आ गई वापिस अभी. अच्छा, मतलब यू मीन की जो फर्स्ट बैच जो लॉन्च हुई थी. ऑल राइट. सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम सी ए आनंद भंगड़िया और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा. बहुत मजा आएगा. यू विल हैव लॉट ऑफ फन. मजा आएगा आपको. बस बिफोर वी स्टार्ट विद आवर क्लासेस एंड अदर रूल्स, कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर क्योंकि 1:30 बजे है, थोड़ा सा कम खाना खा के आना. मतलब आई डोंट से दैट यू शुड बी एम्प्टी स्टमक, बट जब खा कर बैठो तो ऐसे नहीं हो कि भाई एक हाथ बच्चा उधर गिर गया कहीं, गायब हो गया, उसको उठाना पड़े. क्योंकि जनरली मेरा लेक्चर अभी तक हमेशा मॉर्निंग में ही रहता था. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग अ लेक्चर इन दी आफ्टरनून. मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम आफ्टरनून में लेक्चर है. तो थोड़ा सा हल्का फुल्का खा के आना. ऑलराइट. एंड जो लोग चश्मा पहन के आते हैं उनको भी बता दूं मैं कि मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लूंगा. अगर तुम आंखें थोड़ी सी ऐसी तुम्हारी झुकने लगी तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू ऑल. ओके. और दूसरा चीज कि आप क्योंकि मास्क पहनकर बैठते हो और मास्क पहन के आए तो अलग अलग आवाजें नहीं निकालने का, ठीक है ना. दूसरा ये है कि जल्दी जल्दी भागो ना, लगे क्या है पहला दिन है भागने का ऐसा रपा रपा रपा. आपके क्लास में मेरे स्टाफ हमेशा आपके साथ में रहेंगे. मेरे जो स्टाफ है वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे. अगर आपको कोई क्वेरी रही तो दे विल हेल्प यू आउट विद दैट थिंग्स. ऑलराइट. दूसरी चीज, इस क्लास में जब आप हो तो आपका डिसिप्लिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कुछ चीज़ें रूल बना लेते हैं. अगर आप स्केल पेंसिल यूज़ नहीं करोगे तो मैं ये मानूंगा कि अकाउंट्स की इंसल्ट है और अकाउंट्स की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है. राइट. तो इस क्लास का सबसे प्लस पॉइंट, इंक्लूडिंग जो वहां पर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, सभी लोगों ने स्केल यूज करना है, पेंसिल यूज करना है. क्योंकि बेटा हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है. सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वो कैजुअल अप्रोच ना रखें. तो इसके लिए मेरे कुछ स्टाफ आपके आजू बाजू में घूमते रहेंगे. सो डरना मत, क्योंकि वो आज घूमते तो थोड़ा सा तुमको ऐसा लगता है यार क्या देख रहा है भंडी. तो उनको बोल के रखा हुआ है, एंड दे विल बी मूविंग अराउंड इन द क्लास एंड दे विल बी सीइंग इट कि वेदर यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली और नॉट. साथ ही साथ जो आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, होमवर्क प्रॉब्लम्स रैंडमली किसी भी दिन चेक होंगे, होना भी चाहिए. नहीं हाँ नहीं क्या है, मरी मेरी क्लास है. यस सर ना सर अल्लाह रास क्लास. यस. सो आपके होमवर्क्स भी किसी भी दिन रैंडमली चेक हो जाएंगे, ठीक है. तो अभी मैं क्लास को थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, आपको इंट्रो देता हूँ, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है. ऑलराइट. तो सभी लोग पूरा इरेक्ट बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी सीधी, एकदम सीधी है, समझ में आता है, एकदम सीधा. और चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल, चार दांत दिखने चाहिए जो जो लोग ब्रश करके आए. बीच बीच में मैं मेरे YouTube के रसगुल्लों से भी बात करते रहूंगा. सो क्या बोल रहे मेरे YouTube के रसगुल्ले? अरे उधर चालू नहीं है क्या लेक्चर? चालू है फिर मेरे नहीं नहीं इधर. ऑल राइट. सो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और मस्ती भरे शुरू करते हैं. तो सुनो, पहला बात, तुम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बधाई किसके लिए? अच्छा, अभी जिस मुंह से आपने बोला कि फाउंडेशन हम क्लियर हो गए और उसके लिए बधाई, उसी मुंह से वापस अपने आप को बोल दो कि बेटा जी अब इसको भूल जाओ. यू हैव टू फॉरगेट इट. समझ में आने की? ओ बेटा जी अब इसको भूल जाओ. क्योंकि ये फाउंडेशन जो है ना वो एकदम पिद्दू सी चीज थी. इंटरमीडिएट इज वे डिफरेंट देन व्हाट इट वाज इन फाउंडेशन. वे डिफरेंट. लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट एंड देन विल गो अहेड. फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट थे? मैं बात करते रहूंगा, तुमको भी बात करने की है. अच्छा, कौन से चार? ये तुझे जबरदस्ती बिठाया गया यहाँ पे छोरी?
तुझे तुझे यहाँ ऐसे देखी ना, तुझे जबरदस्ती बिठा किसी ने, फिर बात करना बेटा क्या ये ऐसा लगा जबरदस्ती बिठा दिया। बोला कोई सीए पे जबरदस्ती कर रहा है क्या तेरे को? नहीं ना, मैं बात करूंगा उनसे, तू चिंता मत कर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। सो चार सब्जेक्ट कौन से? पहला वाला फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर लॉ, फिर मैथ्स, और फिर इकोनॉमिक्स। अब मुझे आप एक बात बताएंगे कि इन चार सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड होते हैं? अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लॉ, लॉ में भी मर्केंटल लॉ हार्डली समथिंग सम पार्ट, बट अदरवाइज व्हाट इज कैरीड फॉरवर्ड इज अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स आपके कितने लेवल पर है? तीनों, दैट इज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, एंड सी ए फाइनल एफ आर। और एफ आर में भी अगर आप देखेंगे तो देर आर टू सब्जेक्ट्स इन ग्रुप वन एज वेल एंड एज ग्रुप टू। ऑफकोर्स इन ग्रुप टू इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहे तो अकाउंट्स के आप पेपर कितने दे सकते हो? फाउंडेशन में एक, इंटरमीडिएट में दो, और फाइनल में दो। तो इस तरीके से आप पांच पेपर आपके अकाउंट्स के पेपर है। इतना वेटेज शायद ही और किसी सब्जेक्ट के लिए है। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, सीए कोर्स में इतना वेटेज शायद ही किसी और सब्जेक्ट के लिए है। तो आपको आगे कॉस्टिंग पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, उन सभी के लिए जो रॉ डेटा है, बेस डेटा है, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? अकाउंट्स। ये बात क्लियर होगी? सो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया तो चलेगा, बट यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फैक्चुअल एंड द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द अकाउंट्स। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज, यू जस्ट कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब क्या? अभी कॉस्टिंग में जैसे मुझे पता नहीं हर्षद भाई ने आपको कितना पढ़ा है, राइट? हमारे हर्षद बाबू, ही विल टीच यू कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में वो बात करेंगे आपसे मटेरियल कॉस्ट वगैरह वगैरह। इनकम टैक्स में मैम बात करेगी आपसे, यू नो, कॉम्पिटिशन ऑफ द इनकम, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम यू नो सैलरीज वगैरह वगैरह। इन सभी चीजों में जो रॉ डेटा लगता है वो कहां से आता है? अकाउंट से। या फिर आपसे स्वप्निल भाई बात करेंगे एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी जो डेटा लगेगा वो कहां से आएगा? अकाउंट्स में। तो जब तक आप अकाउंट्स की चीजों को नहीं समझ जाते, आपको ये बाकी के जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स बनते हैं वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, विकिपीडिया में पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, तो आपको ये चीज पता चलती है कि अकाउंट्स जब बहुत वास्ट हो गए तब धीरे धीरे करके उसके डिवीजन करने पड़े, और उससे कॉस्टिंग बना, उससे एफएम बना, और इन सारी चीजों का जन्म हुआ। आप एक बार पढ़ना अकाउंट्स के बारे में विस्तार से, तो आपको ये चीज पता चलेगी। हालांकि हमें वहां इस समय उसका डिस्कशन नहीं करना, बट एक बात समझ में आ गई कि अकाउंट्स की जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सपोज वी टॉक अबाउट अपोलो हॉस्पिटल, राइट? एंड वी हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स, देन यू चार्ज सर्टन फीस। व्हाट इज रिक्वायर्ड देयर? आपको फीस चार्ज करनी, तो आप कुछ भी फीस चार्ज कर दोगे क्या? अभी जैसे अपने यहाँ पर वैक्सीन बन रही है कोविड के लिए, तो उस वैक्सीन की फीस कितनी होनी चाहिए या उसके चार्जेस कितने होने चाहिए, सब डिसाइड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अकाउंट्स। सो अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी एरिया में चले जाओ उसको अकाउंटिंग आनी ही चाहिए। मतलब ठेले वाले से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तक, एवरी वन नीड्स टू हैव अ करेक्ट अकाउंटिंग नॉलेज, सो दैट दे कैन कीप द कंट्रोल ऑन देयर फाइनेंसेस, दे कैन कीप द कंट्रोल ऑन देयर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस एंड व्हाट नॉट। सो आई होप सभी लोगों को इस चीज का इंपॉर्टेंस मान लेना चाहिए, राइट? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम बहुत लकी है, बहुत लकी, राइट? लुका पैसोली ने जो अकाउंट्स इन्वेंट किया और जितनी सालों भर की मेहनत है, उन सालों भर की मेहनत को हम आज यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? वी आर सो वेरी लकी। जैसे अपने फ्रीडम फाइटर ने फाइट किया, फाइट करने के बाद में आज अपने को फ्रीडम है, वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, वी कैन डू एनी बिजनेस, वी कैन स्पीक व्हाटएवर वी आर अलाउड टू, यस और नो? ये सब फ्रीडम मिलती है तो हमें किसके वजह से मिलती है? बिकॉज ऑफ द फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर अस, यस और नो? तो अब आप आपके दिल से पूछिए कि बेटा जी, इस अकाउंट्स का इतिहास ऑलमोस्ट ना 400 इयर्स के आसपास है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे इसको उतना ड्यू वेटेज देना? लोगों ने मेरे पास कितनी बकरियां है इसके लिए लाइंस ड्रॉ कर पत्थरों पर ये करना सीखा था। आप प्लीज विचार करिए इसके बारे में, फील इट कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा होगा हमारे पुराने इतिहास में, जिसके वजह से आज आप इस चीज को पढ़ रहे हो। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज अप्रिशिएट द सब्जेक्ट, प्लीज हैव अ लाइकिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, क्योंकि अगर वो चीज आ गई तो आपके एफर्ट ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएंगे। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ जाए, उस चीज में आपको उसको हासिल करने के लिए आपके एफर्ट ऑटोमेटिकली 50% हो जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात ध्यान में? तो इस चीज में हमेशा ध्यान में रखना कि जो फाउंडेशन हमने शुरुआत किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन से, तो उधर तक आते वापस, फाउंडेशन में जो आप पास हुए हो वो एक हसीन सपना था, सुखद सपना था, वो सपना अब खत्म हो चुका है। अब रियलिटी में आओ, इंटरमीडिएट में आप कदम रख रहे हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगले 7 दिनों में नॉर्मल हो जाए यहाँ पर, अगले 7 दिनों में आप
का रूटीन बन जाए और अगले 7 दिनों में आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, ऐसा बैठना अलाउड नहीं है क्लास में, ऐसे भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, मेरी बेटी थी 6 महीने की थी ना, तब उसकी गर्दन संभल गई थी और फिर वो गर्दन ऐसी रखती थी, सो शी डिड नॉट हैव टू सपोर्ट। नहीं तुम्हें बात पता नहीं, नहीं नेक सीधा नहीं रहता, सीधा रहता ना, सो यू डोंट नीड अ सपोर्ट फॉर दिस, सो यू नीड टू सिट इरेक्ट। यार बहुत थकीली है यार, कैसे बात करते हो यार तुम। सो ये बात क्लियर हो गई, ऑलराइट, तो चले फिर अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पर। कांग्रेचुलेशंस के बाद तुम्हें बुक्स कौन से मिलेंगे इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विच ऑल बुक्स यू हैव, माय बुक्स फॉर ईच अटेम्प्ट आर चेंज्ड एंड दे आर थरली अपडेटेड, सो वेरी प्राउडली आई से दैट सारे क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल, फ्रॉम योर मॉक पेपर, जनरली मॉक पेपर नहीं लेते, मॉक पेपर जो इंस्टीट्यूट, अभी के 2 मॉक पेपर नहीं बोल रहा हूं मैं, बोला जब से मॉक पेपर आ रहे तब के मॉक पेपर, देन योर आरटीपी, देन योर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग जैन 2021 में जो पेपर हुआ उसके भी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा कुछ अगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मुझे जरूरी लगे तो वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। बावजूद इसके मैं आप सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपको इच्छा हो तो जरूर आप मॉड्यूल ओपन कर उसको चेक करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। बट मेरा मटेरियल थरली अपडेटेड है तो आपको उसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी वेरी वेरी सफिशियंट फॉर योर एग्जाम्स, इज दैट ओके। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी क्वेरी होगी कि सर ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक एग्जाम्पल तो मुझे बता दीजिए। सभी लोगों को क्लियर है, आई एम सेइंग यू कि मेरा मटेरियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सफिशियंट होगा। बिल्कुल गुमराह मत होना, आपके पास अभी सिर्फ 8 महीने हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विच मंथ, फेब्रुवरी राइट, सो फेब्रुवरी से लेकर नवंबर तक हम शुरुआत करेंगे, सो नवंबर तक आपको एग्जाम देनी है, हाउ मेनी मंथ्स यू हैव, 8 मंथ्स। 8 महीनों में अगर थोड़ी सी भी प्लानिंग की गड़बड़ी हुई सो इट कैन लीड यू टू फेलियर। सो कई बार क्या होता है, बच्चों को ऐसा बोला जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज ये वो सब चीजें, बट मेरा भरोसा मानो, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आर्टिकलशिप है जहां पर आप एक्चुअली उतर कर प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सपोजर लोगे, बट क्लास में जब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो जाती तब तक आप एग्जाम में जाके लिखोगे क्या। और अनफॉर्चुनेटली अभी आपका असेसमेंट का तरीका है कि आपका पेपर चेक किया जाएगा, आपको खड़ा नहीं किया जाएगा कि आप बोलो। तो जाहिर सी बात है मेरा जो फोकस है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपका टाइम इन्वेस्ट किया, आपके ऊपर पैसे लगाए, बहुत ज़रूरी है कि मुझे जो तैयारी करानी है आपकी वो तैयारी करानी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उन उन चीज़ों की चर्चा की जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर यू राइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एग्जाम्स। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सभी को? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करना। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1, ये आपका यूनिट 2 रहेगा, 4 यूनिट आएंगे आपके, दिस इज द 3rd यूनिट एंड दिस इज द 4th यूनिट, और 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा बनाया दैट इज फॉर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलोन। ठीक है, दिस विल बी ऑल कलर बुक्स, ये सारे कलर बुक्स रहेंगे, और इसके बारे में कुछ चीज़ें और चर्चा कर लेता हूँ। इधर खड़ा रहना है क्या मुझे? ओके, तो कुछ चीज़ें चर्चा कर लेता हूँ। इस बुक का फॉर्मेट सभी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बुक का जितना अच्छे से आप फॉर्मेट समझ जाएंगे उतना ईजीली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो, अगर चीज़ सही से समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सो अब सब लोग एक बार सिलेबस लिखेंगे, सिलेबस ऑफ अकाउंट्स जल्दी से। अरे बफरिंग हो रहा है बोल रहे बच्चे, बफरिंग हो रहा है क्या यार? प्रसाद को बोलना इधर बफरिंग हो रहा है क्या? अच्छा सौम्य गुप्ता बोल रहा है बफरिंग नहीं हो रहा, ऑलराइट ऑलराइट, ये बफरिंग नहीं हो रहा है। सो कैसे हो सब रसगुल्ले? तुमने भी अपनी अपनी नोटबुक ओपन करने की है और सिलेबस लिखने का। सो लिखिए हेडिंग पेपर वन अकाउंटिंग, पेपर वन अकाउंटिंग लिखा, पेपर वन अकाउंटिंग। ठीक है, पेपर वन में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम लिखिए प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन,
प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ए रसगुल्ले लिख वापिस, कुछ नहीं, लाइव बैच से है ना तू, हाँ रसगुल्ले वापिस लिख। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिखा। ओके सो टॉपिक के अंदर क्या है वो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सिलेबस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा वापस, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बताऊंगी कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यूनिट टू में आप पढ़ने वाले हैं चार टॉपिक्स। पहला वाला लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, हाँ डायरेक्टली नीचे लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। थर्ड लिखिए इंश्योरेंस क्लेम्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा, थर्ड लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, जो आज हम शायद टॉपिक शुरू करेंगे वो शायद इंश्योरेंस क्लेम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या लिखा, इंश्योरेंस क्लेम्स। फोर्थ टॉपिक आपको लिखना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कितने टॉपिक हो गए अभी तक, फोर। सो पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड वन इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इंश्योरेंस क्लेम, फोर्थ वन इज एब्सोल्यूटली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके बाद में हमारा टॉपिक शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कंपनीज। कंपनीज मींस आई विल टेल यू व्हाट, बड़े होने के बाद में आपको किनके ऑडिट मिलने चाहिए कि आप पैसा ज्यादा कमाओगे, कंपनीज। सो अब हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इसके बाद में कंपनी अकाउंट्स पर। नाउ विल बी शिफ्टिंग मोर फोकस टुवर्ड्स व्हाट, एक्सपांशन और कंपनी अकाउंट्स। राइट, अभी जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, ये सब चीजें ऑलमोस्ट उसके जैसी थी जैसे हम फाउंडेशन में थे, बट अब नाउ वी विल फोकस ऑन एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब एक ब्रांच थी, मतलब एक ऑफिस था, अब चार ब्रांचेस हो गई, चारों का मिलाकर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एक ऑफिस है उसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स है उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। राइट, सो नाउ वी विल फोकस ऑन एक्सपांशन। ऑलराइट, सो दिस वुड बी फॉर्मिंग योर बेस फॉर सीए फाइनल ऑल्सो। सो यूनिट थ्री द फर्स्ट अकाउंट यू कैन राइट डाउन, ऑफकोर्स हायर परचेस विल ऑल्सो बी वेरी इजी टॉपिक, बट यू कैन राइट डाउन हायर परचेस। थर्ड लेवल पर आपने क्या लिखा, मतलब अभी फिफ्थ टॉपिक है हायर परचेस। ओके नेक्स्ट राइट डाउन सिक्स्थ नंबर, हायर परचेस लिखा बच्चों, सिक्स्थ नंबर पर लिखो कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट। ओके देन यू नीड टू राइट डाउन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, redemption of preference shares, redemption of preference shares, and the last one is bonus shares, last one is bonus shares। good news, इतने topic हुए तो आपके पास होने के chances पूरे पक्के हैं, और ये सारे topics easy है, 40 marks मिलाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको इतने topics आते तो। ओके सो पासिंग सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स एटलीस्ट आई कैन टेल यू गेटिंग 40 मार्क्स वोंट बी डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड यू शुड बी अवेयर दैट कि आपको कौन से टॉपिक को कितना वेटेज एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट इज फर्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्वेल्थ में भी था आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट वन इज सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। ओके और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसके बाद में सिंगल एंट्री के बाद में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। नंबर का काउंट मेरा मिस हो गया, कितना नंबर पर है वो, 11। 11 टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड द लास्ट टॉपिक इज ब्रांच अकाउंट, एंड लास्ट टॉपिक इज ब्रांच अकाउंट। लास्ट टॉपिक इज व्हाट, ब्रांच अकाउंट। सो कितना नंबर हो गया अकाउंट, 12 टॉपिक्स हो गए। ये जो लास्ट के चार टॉपिक्स है ये थोड़े से लेंदी है और इस पर वेटेज कई बार ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, तो लास्ट के चार टॉपिक्स वी कैन नॉट से दैट दे आर इजी। सो टू प्रिसाइजली से यू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, दिस पर्टिकुलर फोर टॉपिक्स आर लिटिल डिफिकल्ट आई मस्ट से इन द होल सिलेबस। ठीक है, going ahead then you have got accounting standards, so you can please write down accounting standard, matlab next heading likhiye, abhi topic wise nahi jana, accounting standards likhiye, accounting standards, accounting standard likhne ke baad usko underline kijiye,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखो, उसको अंडरलाइन कीजिए और फर्स्ट वन लिखिए इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. पॉइंट वन क्लियर. दूसरा वाला लिखिए फ्रेमवर्क, 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 फ्रेमवर्क. देन माई डियर फ्रेंड यू हैव टू राइट डाउन AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS1 और आगे क्या लिखोगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. AS1 लिखा, क्या लिखोगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. देन यू विल राइट डाउन AS2, AS2 कोई बता सकता है क्या है AS2? यस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. देन राइट डाउन AS3, AS3 वेरी गुड, कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्या जोरदार बैच है यार, मजाक नहीं यार. कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 हो गया. देन यू हैव गॉट AS10 PPE प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, AS10 PP क्या ई, नहीं तो चालू हो जाएगा PP क्या, AS10 इज PP प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. अच्छा बच्चा सीरियस है आज, मुझे पता है फर्स्ट डे है ना, तुम सभी लोगों का रूप है ना ऐसे साधु संत जैसे लगता है. हाँ एकदम मस्त साधु संत है, फिर बाद में पता है ना वो खूंखार साधु संत बाहर निकलते हैं. आज के 10 दिन बाद तुम देख लेना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, ऐसे नलायक हो चुकोगे कि जिसकी हद नहीं है. बट क्या डे वन को तो क्या साधु संत का रूप किए हो धारण, बाद में रावण निकलते हो पता है मुझे. बट एनी विच वेज AS10 क्या नाम लिखा, PP प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. AS11, AS11 इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इफेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, यू कैन राइट डाउन इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन. जैसे डॉलर में ट्रांजेक्शन होगी तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट, डॉलर पाउंड तुम कमाओगे ना. यस सर. AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट. ये वो मैंने क्या बोला रे, AS11 इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन लिखा क्या, नहीं वो ट्रांजेक्शन नाम नहीं होगा, इट इज इफेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट. क्या बुढ़ा हो गया हूं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भूलने लगा. AS12 क्या लिखा, गवर्नमेंट ग्रांट. ऑलराइट, AS13 कोई बताएगा, वेरी गुड. AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट. फिर AS16, AS16 बोरिंग कॉस्ट, AS16 बोरिंग कॉस्ट. सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर, अरे बाबूडा स्क्रीन क्यों नहीं क्लियर है. AS16 इज व्हाट, बोरिंग कॉस्ट. क्या पूरी क्लास को क्लियर हो गया? सो अभी तक हमने सिलेबस लिखा है, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि जो मेरे ऑनलाइन बच्चे वो भी लिख चुके हैं सारी चीजें. एक बार सिलेबस को देख लो और अपने आप से पूछ लो, क्या फाउंडेशन का एरेगेंस आगे लेके जाना अच्छी बात है क्या, पूछ लो. मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे तुम ऑलरेडी अवगत हो, ऑलरेडी तुमको आता है टॉपिक, ऐसा कौन सा टॉपिक लग रहा है. आई एम श्योर तुमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता होगा तो वो इधर आ जाएगा यूज, है ना. कंपनी फाइनल अकाउंट, अरे बेटा जी कुछ भी तू सभी नहीं है भाई, ए इसकी बातों से मत सुना रे नलायकों का गधेड़े, कुछ लेना देना नहीं है. तो जिन जिन बच्चों ने कंपनी फाइनल अकाउंट बचपन में नहीं पढ़ा इतना अच्छे से, ऑप्शन में छोड़ा होगा, चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है. वो एक चीज सीखी तुमने, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल की चीज है दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. बात क्लियर क्या? तो सिलेबस ऐसा है बेटा, इट डजंट अलाउ अस टू रेस्ट. जीवन का एक रूल पता है ना तुम्हें, सुना होगा कुछ लोगों ने, क्या, जब हम कोई गलत काम करते हैं ना तब भगवान उसका पनिशमेंट गलती के कंपैरिजन में नहीं देता. नहीं समझे? मतलब तुम्हारी छोटी सी गलती का
बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है इन गॉड्स बुक, मतलब वॉट एवर गॉड यू कंसिडर इट, यू नो, छोटी सी गलती का इंपैक्ट आपको लाइफ लॉन्ग तक भुगतना पड़ सकता है। अब जैसे मैं चल रहा हूं आप देख रहे हो, सो ये भी एक छोटी सी गलती थी, इट वॉज नॉट अ बिग मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, एक मिसकैलकुलेशन बाय डॉक्टर, एंड यू कैन सी दैट आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम इन माई लाइक फॉर माई थ्रू आउट ऑफ द लाइफ एंड इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको सिर्फ यही चीज बता रहा हूं बेटा कि गलती छोटी सी भी करने से डरो, इनफैक्ट बड़ी गलती करोगे तो उस केस में तुम्हारा शायद तुमको पता ही नहीं थी चीज, बट छोटी छोटी गलतियां ऐसी चीज होती है कि पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देना, चीजें सही से नहीं लिखना, कैजुअल अप्रोच रहना, राइट, आज का कल करेंगे, प्रोकास्टिनेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, बट उसका पनिशमेंट इतना सीवियर होगा कि पूछो मत। और उतनी बात यह भी सच है कि भगवान के घर में अगर तुम कोई छोटी सी अच्छी चीज करो तो उसका फायदा तुम्हें जिंदगी भर तक मिलेगा। जस्ट इमेजिन करो, अगर आप सीए इंटरमीडिएट मैं भी ऐसे पढ़ा सकता हूं, तुम ऐसे सुन सकते हो, तो सीए इंटरमीडिएट अगर तुम ए पिल्लू अपन दोस्त है ना यार, ऐसा कर सकते हैं, है ना, हेलो, हाँ, तो सीए मैं बता रहा था कि भगवान के घर में ऐसा भी है कि भाई तुमने छोटा सा अच्छा काम किया तो उसका फायदा कहां तक, लंबे समय तक। अब मैं सीए बन गया, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तुम मेरी मम्मी और पापा को कभी मिलोगे देखोगे, सो विल नॉट फील लाइक यू नो कि वो इतना ज्यादा कुछ खर्चे पे बिलीव करते हैं, या आई हैड अ वेरी मॉडेस्ट लाइफ, आई टेल यू वेरी मॉडेस्ट लाइफ, मतलब हमारे घर में अगर कोई कैडबरी आती थी 5 स्टार या डेरी मिल्क तो भेंडी वो 10 लोगों में बटती थी, भाई मैं आई शपथ बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, आई स्वेयर बाय माय प्रोफेशन, वो 10 लोगों में बटती थी, छोटा छोटा टुकड़ा मिलता था, मतलब साले मर जाते थे हम उसको खाने के लिए। तो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली बैकग्राउंड, यू सी, बट सीए बन गया तो आज मुझे ये डर नहीं है कि मैं क्या करूंगा मेरे लाइफ में, आई एम श्योर नाउ दैट आई कैन सर्वाइव वेरी इजीली। तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें रिटायरमेंट प्लान नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि तुम जीवन में कुछ भी कर लोगे, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि आपकी उस गलती का पनिशमेंट भी आपको मिलेगा और फायदा भी आपको मिलेगा। मेरा सिर्फ बोलने का काम है और मैं बोल रहा हूं, समझे क्या? सो ये सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको एक दिक्कत आएगी, वो क्या दिक्कत है हम पहले उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत क्या आएगी, ऐसा कभी हुआ है आपके क्लास में कि आप पढ़ रहे हो और उसके बाद में आपको समझ में नहीं आया? यार झूठ मत बोला यार, कमान मैं भी इंसान हूं और मेरे मां मालूम है तुम कैसे नालायक हो, बोला ना अभी क्या बोलना चालू करो। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुम क्लास में बैठे और समझ में नहीं आया? हे झंडू उधर, मालूम है क्या तेरे को क्या होता है फिर ऐसा समझ में नहीं आया तो? अच्छा बोल ही नहीं रहे वो, तो अगर मान लो तुमको समझ में नहीं आया तो तुम क्या करते हो? फिर दिमाग का फलूदा हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है, राइट? और क्या क्या होता है बताओ ना, सभी तुम्हारे इमोशंस भड़ास मेरे ऊपर निकाल दो, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन, क्योंकि ये निकलना बहुत जरूरी। क्या होता है? हाँ लेक्चर बंद कर, भैंडी तू बंद कर इसको, हाँ मतलब बंद कर देते भे, कोई पेनड्राइव में तो ऐसा है, चल तू इधर से निकल। हाँ एक्चुअली इधर कुछ बच्चे फिर अपने स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं बिना वीजा के, कुछ भी चालू कर देते, कुछ कुछ बच्चे क्या है ये चैप्टर ऑप्शन में, भाई ये चैप्टर ऑप्शन में, अपने बस का रोग नहीं है, ये साला एग्जामिनर देखेगा, वो उसका उसका देखेगा, मतलब तुमको ऐसा डर नहीं है, निर्लज्ज के जैसे कुछ खुद के सामने शर्म नहीं रही, बस भाई ये ऐसा करने वाला है। ऐसा हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ? मतलब नहीं हुआ है तो देन कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसा होना जरूरी है। ये तुम्हारे साथ अभी से नहीं हो रहा है, ये होता आया है तुम्हारे से एलकेजी से, एलकेजी में तो तुम एकदम येड़े थे, तुम शिमड़े पूरा थोड़ा बहुत बीच में मराठी बोलता हूँ कभी कभी, तो एकदम शिमड़ी पूरा, अब जो कराते थे करते थे, कुछ समझ भी नहीं आता था, करते रहते थे। तो तुम्हारे को एक बात बता देता हूं कि जितना आपको अभी तक हो रहा था ना, ये समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे होने के पूरी पूरी संभावनाएं आगे भी है। समझे नहीं समझे? ऐसा होगा तो अभी मुझे इसके सोल्यूशन के बारे में अभी बात करनी पड़ेगी। सो पेनड्राइव के बच्चे आपको भी ये बात जरा ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि क्या हुआ पेनड्राइव और यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ, तो एक दिक्कत ये हो जाती है कि बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है मुझे, वो क्या किस पर गुस्सा निकले, कई बार तो टूट जाती होगी चीजें, बट बोलना क्या है कि उन बच्चों के लिए भी मुझे एक बताना जरूरी है और आप सभी लोगों को भी बता रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा। मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ और मैं इस चीज से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि मैं इंसान हूँ और आई हैव गॉट माई ओन शेयर ऑफ मिस्टेक्स, आई कैन ऑल्सो डू द मिस्टेक्स, बट आई हैव गॉट द फुल प्रूफ सोल्यूशन टू इट, कि जिसके वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप जटायु को जानते हो क्या? कौन जटायु? रामायण में कि महाभारत में? अरे कौन है नलक? महाभारत में नहीं था रे, किसमें था? तुमने तो द्रौपदी सीता को मिक्स कर दोगे इधर नलक, ठीक है? बोले द्रौपदी को बचाने गया था, नहीं। सो दैट वाज द सो आई वाज आस्किंग यू कि तो तुम जानते हो जटायु जी को, तो जटायु का रामायण में क्या रोल था? सीता को बचाना, फिर बचा लिया क्या? मैसेज देना था। ओके, मतलब मैसेज के साथ मर जाना, ऐसा तुम्हारा बोलना है? ओके, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, जो मुझे जो मैंने टीवी में देखा, जो किया है वो बता रहा हूँ एग्जैक्टली। तो जटायु का क्या रोल था जब रावण किडनैप्ड सीता एंड ही वॉज टेकिंग हर टू श्रीलंका और लंका व्हाटएवर, नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा बोलते हैं कि वो वहीं का है। सो ही वॉज टेकिंग हिम हर टू लंका। अब लंका लेके जाते हो कि जटायु भाई उसको देख लेते हैं। जटायु एक पक्षी है और फिर वो पक्षी उड़ता है एंड ही फाइट्स विद रावण, ही फाइट्स विद रावण और बोलता है कि नहीं सीता को छोड़ दो वगैरह वगैरह। ही ट्राइज डूइंग एवरीथिंग एंड इज नॉट सक्सेसफुल एंड देन उसको पंख काट दिए जाते, वो नीचे आके गिर जाता है। और गिरने के बाद में राम आते हैं, उससे मिलते हैं। राम को वो मैसेज, राम जी को मैसेज देते कि ऐसा ऐसा हुआ और वो लेकर गए। अब मैं आप सभी लोगों को पूछता हूँ, सच्ची सच्ची बात बताना, अगर हम इस पूरे एपिसोड को अगर देखें अच्छे से, तो क्या जटायु जी सक्सेसफुल हुए थे क्या सीता, माँ सीता को बचाने के लिए? बराबर दिखता नहीं क्या आंखों से? दिखता नहीं क्या? ऐसा ऐसा करके गिरा था नीचे, कुछ भी है क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा ऐसा ही गिरा था, मैं देखा उधर। मैं नहीं, अब ऐसा बोल नहीं सकता मैं, बट क्या गिरे थे ना जटायु जी। तो आप पॉइंट को नहीं पकड़ रहे हो, सक्सेसफुल हुए थे कि नहीं हुए थे? हिस्ट्री आज भी सिर्फ कर्म को वैल्यू देती है। आपको भी आपके कर्म के प्रति 100% देना होगा। भगत सिंह भी जब शहीद हुए थे, भारत को आजादी नहीं मिली थी, ऐसे कई क्रांतिकारी लोग शहीद हो चुके थे, उनके वजह उस समय तक हमें आजादी नहीं मिली थी, बट वो लड़े, वो शहीद हुए। तो बात ये होती है जीवन में, आप हारो तो भी इज्जत से हारना। सो एक रूल हमेशा ध्यान रखना वो वाला फिलोसफी मत फॉलो करना कि सर मेरे को आया ही नहीं है, आया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा भी आपको लाइफ से। तुम्हें पता है मेरी बेटी जब बचपन में कोई पोएम्स वगैरह बोलती थी तो उसको नहीं आती थी, बट जो उसको आता था वो बोलती थी। हाँ, मतलब उसको जो आता था वो बोलती थी। तुम क्लास में कभी, तुमको सीखना है ना तो तुम जाओ नर्सरी में, नर्सरी का बच्चा इतना पिल्लू सा रहता, वो जो पोएम बोलता उसको नहीं आते रहता, बट जो आएगा वो बोलते रहेगा मूड में रहेगा तो उसको पहले मूड में लेके आना पड़ता है, नचाना पड़ता है और उसके बाद में वो बोलना चालू करता है। बराबर है ना? ऐसे ही होता है ना, उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आता रहता कि वो क्या बोल रहा है, बट ही विल स्टार्ट यू नो सिंगिंग दैट पोएम। यू हैव टू बिकम एग्जैक्टली लाइक हिम और हर, कि पोएम पूरी परफेक्ट आनी जरूरी नहीं है, आपको जितना आए उतना करना है। तो जितना आए उतना करना मतलब अगर आपको फॉर्मेट बनाते आ रहा है तो फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट के बाद में आपको अगर एक पोस्टिंग आ रही तो एक पोस्टिंग करो, दो पोस्टिंग आ रही तो दो पोस्टिंग करो, आपको जहां तक आए वहां तक करो। सर मैं आपको ये वचन दे रहा हूं आज क्लास में, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आएगा, और आपको भी मुझे वचन देना है कि आपको जहां तक आएगा आप वहां तक करोगे, क्योंकि इससे इतनी आसान हो जाएगी चीज कि जहां पर आपको अटके हो पूरा फोकस आपका उसी चीज पर आता है कि अब मुझे क्या करना है, और फिर वो चीज रेक्टिफाई हो जाती है। मतलब जब लोग एक साइंटिस्ट होता है और वो शुरुआत करता है अपने एक्सपेरिमेंट्स की, तो एक्सपेरिमेंट्स में वो करता है और फेल होता है, तो जब फेल होता है तो वो रीजन पता करता है कि कहां पे फेल हो और उसी पॉइंट पर काम करता है, तो एफर्ट उधर जाता है। ऐसा पूरा प्लानिंग कभी हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो? आप पूरा प्लानिंग कर ही नहीं सकते कि मुझे पूरा आगे तक का रास्ता दिख जाए कि मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा। नॉट पॉसिबल सर, यू नीड टू ड्रिल डाउन टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल एंड डू व्हाटएवर यू आर एबल टू डू इट। मतलब स्मॉल स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में आपकी एक्टिविटी को डिवाइड करो और उसको करते चले जाओ। जहां पर अटकोगे आपका अपने आप ध्यान फोकस आएगा, फोकस आने के बाद में जब मैं आपसे बात करते रहूंगा वो चीज अपने आप क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम, उसमें एक आइटम है नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, नहीं समझ में आया शायद, ओके। जब आप नेक्स्ट टाइम उसको करने के लिए लेंगे, अगर आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम नॉर्मल एबनॉर्मल पर है, तो जब मैं आपको बोलना शुरू करूंगा तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस चीज पर आएगा। बट जब आपके माइंडसेट को यह चीज समझा देते हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, तब वो कहां पर ध्यान दे और कहां पर ध्यान नहीं दे पता नहीं चलता है।
At the end of the day, your mind is a machine. You have to focus him at the place where there is a problem. Just like any X-ray machine, just like any, you know, a laser machine. You have to point it where the problem is. You cannot point it everywhere. So the first trigger is you need to identify your problems. Problems are not bad. Problems are very good. Problems, in fact, make you strong. Problem ki wajah se to aap aage aaye ho. Aap dekho aaj Bharat. या फिर फॉर दैट मैटर इंडिया आज इतनी तरक्की कर रहा है या एज अ ह्यूमन रेस वी हैव प्रोग्रेस सो मच जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स. शिकार करना है हमें नाखून वगैरह ऐसे नहीं दिए गए. शिकार करना है तो हमको शिकार करने के लिए हमारी प्रॉब्लम थी वो, और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमने चीजों को ईजाद किया. प्रॉब्लम्स आर नॉट इशू, इशू हमारा माइंडसेट है. तो पहली चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं वापस दोबारा विस्तार से इसको मतलब एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको बस मुझे आज इतना प्रॉमिस करना है. देखो अपनी और आपकी और मेरी दोनों की कुछ जिम्मेदारियां है ना बेटा, दोनों की कुछ जिम्मेदारियां है. एक जिम्मेदारी है कि तुम हाथ नहीं लगाओगे और मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा फिर, है ना. बट एनी विच वेज, तो दोनों की जिम्मेदारी है क्या कि आप वहां तक करेंगे जहां तक आपको आता है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उसके आगे तक खींच के आगे ले जाऊं. समझ में आ रही बात? धन मैं आपको क्वेरी जब तक शांत ना हो तब तक मैं आपको सॉल्व करते रहूं, बट एट द सेम टाइम यू हैव आल्सो हैव गॉट अ रिस्पांसिबिलिटी दैट यू नीड टू ड्रिल डाउन टू व्हाटएवर लेवल यू कैन टू मेक द प्रेजेंटेशन गुड. बताओ ये हाथ में है कि नहीं है? मैंने तुमको कभी भी बोला कि नहीं तेरे को एक गो में समझ में आने को ना? मेरी अपेक्षा नहीं है, मुझे तो चाहिए तुम्हारे जैसे बच्चे चाहिए. तुमको अगर आता होता तो तुम यहां पर क्यों आते? तो तुमको नहीं आता मुझे भली भांति समझ में आता है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रिल डाउन टू व्हाटएवर लेवल यू कैन. और ये सब करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ती है, वो क्या है पता है क्या? यू नीड टू हैव दैट स्माइल. यस मैम, दैट इफ यू ब्रश स्माइल, या सो यू नीड टू हैव दैट स्माइल. विदाउट स्माइल यू वोंट बी एबल टू डू इट. ऐसा कभी देखा है आपने कि कोई एक आदमी बहुत दुखी है और उसने जिंदगी में बहुत कमाल के काम कर दिया? सीरियस लोग कहां होते पता है ना तुम्हें? आईसीयू में. और कुछ फायदा नहीं है उसका, वहां पर कोई कुछ भी सुंदर परी क्यों ना आ जाए, कोई फायदा नहीं है. बिकॉज ही इज सीरियस, ही इज इन आईसीयू. यू नीड टू बी सिंसियर, दैट्स इट. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. तो बताओ जल्दी से क्या करोगे? इस क्लास का रूल क्या है? और ये बहुत बड़ा रूल है. सपोज मान लो तुम्हें चाय नहीं आती है, तुम्हें क्या आता है? दिस वॉज गुड, बट एनी विच वेज, सपोज मान लो तुम्हें चाय बनानी है और तुम्हें चाय नहीं आती, तुम्हें जो जो आता है वो कर सकते हो क्या? चलो चाय नहीं बनानी, गैस चालू करने आता है, गैस चलो, बर्तन लगता है, बर्तन लगाओ, पानी डालना है, पानी डालो. तुम्हें जहां तक आता है वहां तक कर. अबे समझ आ रहा है क्या? ओ ओ सरकार. तो क्या है? ड्रिल डाउन अप्रोच उसको बोलते हैं. जहां तक आप करोगे वो ड्रिल डाउन अप्रोच करोगे. और मैं आपको बता रहा हूं आपके पेपर में आपके पासिंग के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ गए, क्योंकि अगर आप कुछ लिख के आओगे तो मार्क्स देंगे. ऑप्शन में छोड़ने से, ना लिख कर आने से आपको कोई भी गुंजाइश नहीं मिलती आगे बढ़ने की. तो मैं ऐसा आदमी हूं जो फाइटर हूं. मैं हमेशा जहां तक मुझे आती है मैं चीजें करता हूं. मैं छोड़ता नहीं बीच में चीजें, मैं ऐसे डरता नहीं, और वो मेरा एटीट्यूड बन गया. तो आप सभी लोगों को भी यही कहूंगा कि आपका एटीट्यूड मुझे ऐसा चाहिए कि वो फाइटर स्पिरिट चाहिए. कड़ा क्या? कड़ा क्या? Yes, मैं, तुम भी ऐसे ही बोलते हो ना? तो फिर मैं बोला मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ. तुम मन के मन में बोलते हो ना? तुम्हें पता है मन के मन में बोलने का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है. तुम्हारी एज में समझ जाना जरूरी है, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे था. मन के मन में बोलने से ना पता नहीं कौन बच्चा मामा और बुआ बन जाए. एक ही गांव के लोग, एक ही गांव के लड़का लड़की, फिर लड़की बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है उसकी, और लड़के के मन में भी था, लड़की के मन में भी था, कभी किसी ने कुछ बोला नहीं. फिर लास्ट में क्या होता है? अच्छा बेटा मिलो मामा से. समझा नहीं छोरी? आगे समझेगा, डोंट वरी बेटा. अच्छा आई विल टेल यू इन माय एज. सो सपोज अब मेरी एज में अगर मैं मेरे गांव जाऊंगा और कोई एक लड़की आई जो मेरी एज की थी उस जमाने में, राइट? और वाई और हाँ चंपा, लेट्स से तो चंपा आकर क्या बोलेगी? अभी वैसे तो नहीं बोलते, एक ही गांव के है, बेटा मिलो मामा से. अब उसका बच्चा मेरे को, हाँ मामा कैसे हो, मेरे को चॉकलेट दिलाओ बस. तो जो मामा और बुआ नहीं बनना चाहते मन के मन में मत बोलो. और ये पढ़ाई में भी बहुत काम आएगा, मतलब इसके दो फायदे. मन के मन में नहीं बोलने का, मामा बुआ नहीं बनने का, लेट्स गो ऑन. अच्छा नोट्स की एक खास बात बता देता हूं तुमको, क्या करना है मैं बताता हूं. ए जा रे बहू, इसमें नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है ना बेटा? ए झंपुड़े, किधर है?
नोट्स का कॉपी कहाँ है रे? ये देखो, ये टॉपिक है ये फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा, इसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल पार्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूं। नीचे बॉक्स जो दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा इस आइकॉन के साथ में, ये बॉक्स का क्या फायदा मैं आपको बता रहा हूं। मैं पिछले 10-15 पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर में क्या आने वाला है पहले से प्रेडिक्ट हो जाता है। आपने ऐसे इंस्टाग्राम, और आप काफी होशियार हो, आपने ऐसे स्टोरीज तो देखे ही होंगे कि जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सारे क्वेश्चंस हमारी बुक से है। नहीं पढ़ा आपने ऐसा? आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा, कई सारे प्रोफेसर क्लेम करते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे बुक से ही आए। वो इनफैक्ट मुझे लगता है ऐसा नहीं बोलना चाह रहे कि हमारी बुक से है, वो बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो ICAI के मटेरियल से ही आए। कॉमन सेंस की बात है। मैंने भी जब आके बोला आपको कि मैं सारे ICAI के क्वेश्चंस लूंगा, तो वही चीज है। तो बात क्या है कि मैं आपको ये बता दूं कि पेपर को प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है, पास होना क्यों डिफिकल्ट है मैं बता दूं। पेपर आपको पता रहेगा पहले क्या आने वाला है। आई कैन चैलेंज ऑन दैट कि पेपर में क्या आने वाला पहले ही पता रहेगा। जस्ट दैट व्हाई यू फ्लंक, आई टेल यू। तुम्हारे पास 14 टॉपिक्स हो गए थे बेटा, 12 टॉपिक्स, एंड यू हैड अ लिस्ट ऑफ AS। सो 12 टॉपिक्स में से जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो टॉपिक्स एक दिन में रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। ओके, लेट्स टेक अ डेमो। गुड़ी एक बार खड़ी हो जाए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। या व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? ओके, 10th पास हो आप? श्योर? मतलब लॉक कर दूं? ओके, फिर मुझे बताओ तुम्हारे सब्जेक्ट्स के नाम। हाँ, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में थर्ड टॉपिक का नाम बताओ। अच्छा, तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हिस्ट्री वीक है तो? मैथ्स वीक स्ट्रॉन्ग है, सॉरी। सो मैथ्स में 4 टॉपिक बताओ। हाँ, तो मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक का भी मालूम नहीं, वीक टॉपिक तो छोड़ दो। क्या समझे तुम इससे? मतलब ये प्रॉब्लम इसी के साथ है कि किसी और को डेमो लेकर बताऊं? तुमको खड़ा करूं किसी को? किसको आता है हाथ खड़ा कर दो। मैं 10th के टॉपिक पूछना चाहता हूं, अंदर का कंटेंट छोड़ो, आई एम नॉट आस्किंग यू डेफिनेशन। 10th सभी लोग पास है, मैं सिर्फ हेडिंग पूछना चाहता हूं। अच्छा, तो किसी को नहीं पता है, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। और ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। सो बेटा जी, आपके साथ में भी आज आप जाए विकिपीडिया पर सर्च करें, आपके ऊपर भी फॉरगेटिंग कर्व काम कर रहा है। वी फॉरगेट, नहीं तो सोचो अगर हम इफ यू डोंट फॉरगेट तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। थर्ड स्टैंडर्ड में हमें कुछ पसंद था नहीं, मतलब मेरे लिए तो प्रॉब्लम होती थी, तुम तो साधु संतो, खैर मेरे लिए तो प्रॉब्लम होती पक्की। बट ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वी फॉरगेट, और फॉरगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये भगवान ने हमें ब्लेसिंग दी है, सो हम फॉरगेट करते हैं। सो व्हेन वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, तो हम भूलते सिर्फ एक चीज नहीं है, हम भूलते हमारी पढ़ाई की चीजों को भी है। तो जब आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी चीज तो आप भूल जाओगे। तो आज आप एक पक्का इसका रिसर्च करना, लर्निंग कर्व या फॉरगेटिंग कर्व। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, मेरी पढ़ाई सीए के साथ साथ मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। मैं एक सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूं, कंप्लीटिंग ऑल माय डिग्रीज इनटू दैट। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आई नो हाउ आवर माइंड फंक्शंस, और इस माइंड की एक प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं, और ये आपके साथ इश्यू नहीं है, ये सबके साथ है। तो जब सबके साथ है तो आपको आज पढ़ाया जाएगा, तो आज के 10-15 दिन बाद क्या होगा? इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये होना ही चाहिए और होता रहेगा। तो भूल जाते हैं, तो एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, और वो आपको पता होना चाहिए कैसे। एग्जाम में कई बार ऐसा होता होगा, आपका माइंड करता होगा कि आपको कुछ लिखा हुआ है, वहां पर हाईलाइट किया हुआ था, राइट साइड में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम हॉल में तुम बैठे हो, बट साला याद नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ था। तुमको गुस्सा नहीं आता ऐसा माइंड पर? अरे साले कमी नहीं, जब इतना याद आ रहा है कि वहां पर लिखा हुआ था तो ये भी बता दे क्या लिखा हुआ था। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, मैं किसी इंसान को देखता हूँ, इंसान को देखने के बाद में लगता है यार इसको कहीं तो देखा हुआ है। अब वो भेंडी मेरे पास चलते चलते इधर तक आ गया, अब मैं उसको कौन से नाम से बुलाऊं? मेरे भाई, मेरा नाम भी बता दे उसका, क्योंकि अरे इज्जत का फालूदा होता है यार। कभी कभी ससुराल में ऐसे बहुत इज्जत, बताओ मैं कौन? नहीं याद आ रहा है यार। आई मीन उससे मुझे जज किया जाता है,
बहुत वर्स्ट थिंग है बट एनी विच वेज उसको भूल जाओ. बट ऐसे ससुराल में जाओगे ना तुमको मेरा नाम क्या बताओ, उससे जज किया जाएगा कि मैं कितना सिंसियर आदमी हूँ, कुछ भी. बट एनी विच वेज, सो बात मैं आपको बता रहा था कि यू विल फॉरगेट. हाँ, अब इसका सोल्यूशन मैंने क्या दिया है, मैंने प्रत्येक प्रॉब्लम के नीचे एक बॉक्स बनाया है. इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा कि उस क्वेश्चन में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, कौन सा क्रिटिकल एडजस्टमेंट है, इन सभी चीजों को लिखना है. मैं फिर से बता दूं, मैं आपका काम इजी करने आया हूं. अभी आपको ये मुश्किल लगेगा करना, अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको दावे के साथ बता दूं आपका रिटेंशन औरों के मुकाबले और अच्छा होगा. बात क्लियर हुई? जो बच्चा इस बॉक्स को नहीं भरेगा उस बच्चे को आगे जाकर रिवीजन में तकलीफ आएगी, मतलब आएगी. मेरे मानने के हिसाब से हम पास आज होते हैं, रिजल्ट के बाद नहीं. आज हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमारा पास या फेलियर डिसाइड होता है. क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई क्या? सो ये रिमार्क कॉलम में आपको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी 15 लाइन्स की 20 लाइन की जो प्रॉब्लम्स है आप उसको समराइज करके छोटा कर देते हो और आप उसी चीज पर फोकस करते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग यू बैक टू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे बचपन में आप ABCD सीखते थे, अभी आप ABCD सीख चुके हो, अब आपको दोबारा ABCD सीखने की जरूरत नहीं, अभी आपको और एडवांस लेवल पर जाना है, तब आपको नई चीज पर फोकस करना है. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फोकस इज द, किस चीज पर फोकस करना इज ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. तुम्हारे साथ ऐसे जिंदगी में हुआ होगा कि पहला टॉपिक शुरू किया, पहला टॉपिक पढ़ रहे, फिर वापस 10-15 दिन पढ़ाई गुल, फिर वापस पहले टॉपिक से शुरू किया, फिर वापस 10-15 दिन गुल, और फिर वापस पहले टॉपिक से शुरू किया. अब पहले टॉपिक तुम प्रोफेसर से अच्छा पढ़ा सकते हो बट उसके आगे सब बुंबा बुंब है, म्हणजे पुढचा पार्ट मागचा सपाट आहे सगळं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो मैं आप सभी लोगों से फिर से विनती कर रहा हूं कि अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपका फोकस सही समय पर आने के लिए, सही जगह पर आने के लिए आपको वो पॉइंट्स लिखने जरूरी है. इसके अलावा इसके अंदर आगे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर तो एक इंडेक्स है. आप देख रहे हो इंडेक्स, इसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर R1, R2, R3. व्हाट इज R1 स्टैंड्स फॉर? Revision 1, Revision 2, Revision 3 और स्पेशल पॉइंट्स. सो पहले हम जो लिख चुके हैं वो फर्स्ट पॉइंट लिख चुके हैं, राइट? वो बॉक्स में हम क्या लिख चुके हैं, उसके क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख चुके हैं प्रत्येक प्रॉब्लम के. कुछ प्रॉब्लम सिमिलर है तो हम ये भी लिख देंगे कि सेम लाइक प्रॉब्लम नंबर 4, सेम लाइक प्रॉब्लम नंबर 3, ऐसे भी लिख देंगे. इस पेज पर क्या है, ये हमारी कंट्रोल शीट है. इस कंट्रोल शीट में इस टॉपिक पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और अगर मुझे आना ही चाहिए तो ये कंट्रोल शीट आपको हेल्प करेगी. कंट्रोल शीट कैसे हेल्प करेगी, तो आपको ये बता देगी कि इसमें कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने जैसे है. सो आपने लिखा मुझे 7th क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो ये इधर स्पेशल पॉइंट्स में आ गया कि रिवाइज करना ही है एग्जाम दिन के वक्त. तुम्हारे एग्जाम के वक्त तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम होती होगी ना कि कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, पता नहीं चल रहा है, तो इधर क्लियर रहेगा कि आपको कौन सा पढ़ना है. साथ ही साथ रिविजन 1, 2, 3 से ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक का हमारा R1 हो चुका है, R2 हो चुका है, वहां पर टिक करते चले जाइए प्रॉब्लम वाइज. और प्रॉब्लम सभी लोगों को सॉल्व करनी है. क्या करनी है? और वही बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे, लिख लिख कर वही बच्चे नहीं करेंगे जो देखकर स्विमिंग सीख सकते हैं. हाँ, जिनको ऐसा मूवी लगा दिया, ये देखो बेटा स्विमिंग ऐसे करने का है, वो कोई स्विमिंग करते रहेगा, वो देख रहा है, वो सीख रहे हो तुम, और तुमको लगता है कि उसके बाद में तुम भी स्विम कर लोगे, तो ठीक है फिर देख देख के चले जाना, फिर उधर एग्जाम में भी देख देख कर जो सीखा था ना वही लिख के आ जाना. तुम्हें माइंड की ये प्रॉब्लम पता है ना बोम्बल? तुम्हें ऐसे बच्चे सुने हैं ना कि मैं सर बहुत पढ़ाई करता था सर, पर एग्जाम में कैसा भूल गया, वो बच्चा लिखता नहीं था. तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा और लिखने के लिए जरूरी है कि आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे. तो क्या हम इन 3 रूल को समराइज कर दे? सो रूल नंबर 1, हाँ, हाउ टू यूज टेक्स्ट बुक. चेहरे पर एक स्माइल, वेरी गुड, चेहरे पर एक स्माइल, हंसते रहने का. सो रूल नंबर 1 का है, हाउ टू यूज द बुक, ये रूल नंबर 1 क्या? वाह बेटा. सो रूल नंबर 1 यू नीड टू राइट डाउन. मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, रसगुल्ले, ठीक है, रूल नंबर 1 लिखिए मेरे रसगुल्लो. फिल अप द बॉक्स बिलो द क्वेश्चन विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल एडजस्टमेंट, मतलब डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स, यूनिक क्वेश्चंस
एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो आपको जो सही लगे वहां पर बॉक्स में लिखना कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी. और वो कब लिखना है, जब आप कर रहे हो ना मेरे साथ तभी उस समय लिखना है. तो मैं आपको स्कोप दूंगा, हमेशा समय दूंगा, उसके अंदर आप लिख देना. पॉइंट नंबर टू लिखिए, इंडेक्स ऑन द फर्स्ट पेज, इंडेक्स ऑन द फर्स्ट पेज विल बी कंट्रोल शीट. इंडेक्स ऑन द फर्स्ट पेज विल बी कंट्रोल शीट. इन द कंट्रोल शीट, इन द कंट्रोल शीट फिल अप ऑल द रिविजन स्टेटस, फिल अप ऑल द रिविजन स्टेटस एंड क्वेश्चंस टू बी रिवाइज्ड, एंड क्वेश्चंस टू बी रिवाइज्ड, एंड क्वेश्चंस टू बी रिवाइज्ड क्वेश्चंस टू बी रिवाइज्ड बिफोर एग्जाम्स, क्वेश्चंस टू बी रिवाइज्ड बिफोर एग्जाम्स. ठीक है, ऑलराइट, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. After R1, go for test, chapter wise test. After R1, go for chapter wise test. ठीक है, इस बार भगवान की दया से टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी हेल्प की और आज ये अनाउंस कर रहा हूं मैं क्लास में, बहुत खुशी हो रही मुझे अनाउंस करके कि आप सभी लोगों के टेस्ट जो भी होगी, आपकी तो क्लास में ही होगी खैर, बट इशू क्या होता है कि आप सभी लोगों से पेपर कलेक्ट करने में और वापस आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी समय लग जाता है. तो मैंने मेरे लेवल पर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके तहत आपकी क्लास में टेस्ट होंगी, मेरे बंदे होंगे, आपको पेपर लिखना है, पेपर लिखने के बाद में उसको अपलोड करना है ऐप पर, अपलोड होने के बाद में वो मेरे इंडिया में जितने भी एग्जामिनर्स हैं किसी भी रैंडमली एग्जामिनर के पास वो पेपर अलॉकेट हो जाएगा और वो पेपर चेक करके वापस अपलोड कर देंगे विद देयर रिमार्क्स. ठीक है, तो आपको पेपर लिखना जरूरी है. एंड गुड न्यूज़ ये भी है कि नाउ दिस टेस्ट सीरीज आर आल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर आर पेनड्राइव स्टूडेंट्स एज वेल एज आर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. सो सभी के लिए सेम टेस्ट सीरीज होगी सेम दिन के लिए. पेनड्राइव के लिए ऑफकोर्स जैसे जैसे वो पढ़ रहे वैसे होगा, बट ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जैसे आप क्लास में जिस दिन टेस्ट लिखोगे उसी दिन वहां पर भी उनकी टेस्ट होगी. तो आपको पेपर अपलोड करना होगा. क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पेपर लिखना जरूरी है और वो पेपर हमारे चैप्टर वाइज होंगे. तो सभी का प्रिपरेशन, अभी आप मेरे साथ समय नहीं मांग सकते कि ये टॉपिक खत्म हुआ सर हमें 2-3 दिन समय दे दो हमें पढ़ाई करने की है. हमेशा अप टू डेट रहना क्योंकि आपकी एग्जाम एग्जैक्टली 2 दिन बाद शेड्यूल हो जाएगी. टॉपिक खत्म हुआ फिर एग्जाम कब शेड्यूल होगी? 2 दिन बाद. तो तुम मुझसे समय मांग सकते हो वापस, ये रूल आज ही क्लियर है. अच्छा, टेस्ट अगर नहीं देंगे तो किसका नुकसान है मैडम? मेरा नुकसान है. किसका नुकसान है? तो तुम किसकी जिम्मेदारी लेते हो? लेते हो क्या खुद की? देखो बॉय, स्पेशली तुम्हारे को बता दो, अगर तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो आगे सोच लो, प्रॉब्लम हो जाएगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिम्मेदारी लेना सीखो. लेंगे क्या इतनी सी? ओके, ठीक है, आगे बढ़े. हर रोज आपका एक अटेंडेंस सिस्टम होगा, वो बता दूं अभी आपको अटेंडेंस सिस्टम क्या होगा और बात खत्म करते हैं फिर यहां पर. ये टेस्ट सीरीज वगैरह के जिस दिन करना होगा उसी दिन बता दूंगा, आज मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं. अब एक अटेंडेंस सिस्टम क्या है, ये एक बहुत पावरफुल सिस्टम है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है और जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना मेरे लिए इजी होगा आपके साथ सही से सोल्यूशन देने में. तो क्या कर रहे हैं हम इसमें बता रहा हूँ. सो अभी आप क्लास में बैठे हो, मैं कुछ समझा रहा हूँ. एम आई गॉड? आई एम नॉट गॉड. ओके, सो आई एम अ ह्यूमन बींग लाइक यू. सो अब मेरे पढ़ाने में ऐसा हो सकता है कि एक आध दिन आपको कम ज़्यादा समझ में आया, तो मैं क्या करता हूँ, सबको पूछते तो नहीं बैठ सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आज यहाँ पर जब आते हो तब आपको इसी समय अटेंडेंस मार्क करना है. आप अटेंडेंस जैसे मार्क करोगे उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, आपको एक रेटिंग देनी है. वो रेटिंग देने के बाद में जब मैं जाऊँगा घर पर या ऑफिस जाऊँगा तब आई चेक कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग. सी एवरी टाइम आई बिलीव इन करेक्टिव एक्शन. सो अगर मान लो कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लेकर उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा नेक्स्ट दिन. समझ में? अब इसका आपको क्या फायदा है? आपको यह फायदा है कि जब आप आपकी पीएल में बैठोगे प्रिपरेटरी लीव में
तो प्रिपरेटरी लीव में आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि मेरा टॉपिक कौन सा वीक है, किस पर कितना वेटेज दूं, किस पर नहीं दूं। तो आपके लिए ये भी क्लियर है कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कई बार मेरे बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक मुश्किल रहते हैं, ऐसी चीज होती है ना कि जो हमको बाद में समझ में आती है, ऐसा होता है। जैसे स्पेशली टैक्स जैसी ऐसी चीज है वो एकदम से नहीं समझ में आ सकती, एएस जैसे कुछ पार्ट्स है वो एकदम से समझ में नहीं आते। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड, यू नो, इन योर चाइल्डहुड ऑल्सो यू हैव टू अटर सम वर्ड्स, तुमको वर्ड्स बोलने थे तो तुम बोल नहीं पाते थे, तुमको समय लगा उसको ऐसा बोलने के लिए। जैसे मेरी बेटी, उसको समझ में आता था ये बटन है, बट वो बटन नहीं बोलती थी, बोल ही नहीं पाती थी, वो बोलती थी टपन लगाओ, यू गेटिंग, उसको समय लगा। तो कुछ चीजों का समय लगेगा, बट आपको ये पता रहेगा कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और कौन सा एरिया मेरा वीक है। तो अटेंडेंस सिस्टम में क्लास में जब आऊँ, कल से आऊँगा या परसों से आऊँगा, तब मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा कि अब आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। और ये अटेंडेंस मार्क ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स को भी करना है, तो जो मेरे साथ बच्चे सुन रहे हैं उनको भी अटेंडेंस मार्क करना है। बट ध्यान रहे, इसके लिए आपको एक कूपन कोड मिलेगा ताकि हमको बिल्कुल जेन्यून डेटा मिले, जेन्यून डेटा मिले। और अगर किसी बच्चे को बार बार समझ में नहीं आ रहा तो आई हैव टू इंटरेक्ट विथ हिम ऑल्सो कि क्या लोचा है भाई। तो आपको जो समझ में आए उसके बेसिस पर आपको रेटिंग देनी है, उसमें हंसी मजाक मत करना क्योंकि उससे पूरे बैच की बैंड बच सकती है। इट इज लाइक ए डबल एपिसोड, क्योंकि हमारे पास 8 महीने है और 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। यहां से कितने बच्चे दोनों ग्रुप देने वाले हैं? और प्लीज, हाँ, तुम्हें तुम्हारा वास्ता, पीछे नहीं हटोगे, बाकी मैं खड़ा है तुम्हारे साथ में। दोनों ग्रुप देना है मतलब देना, और लोग पास हो जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, परफेक्ट। तो कोई क्वेरी अभी? क्लास कैसे होगी, समझ में आ गई? कुछ अपेक्षाओं के बारे में बात कर ले, तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षा है पहले ही बता दो। अरे कम ऑन यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षा है? हाँ बेटा, डाउट क्लियरेंस, वेरी गुड, दिस वी हैव एड्रेस दिस टाइम, वी विल डू इट। और क्या अपेक्षा है तुम्हारी? मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, डाउट क्लियरेंस के। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और कुछ? रेगुलर होमवर्क। तुम बेटा, मतलब तुम सबसे खुश आदमी, मतलब गर्ल रहोगी इस क्लास में, मतलब होमवर्क की चिंता मत करो। और क्या? और क्या, मतलब सबसे ज्यादा खुश रहोगी, तुम्हें तो खुश कर ही दूंगा 100%, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट व्हाटएवर अमाउंट ऑफ होमवर्क, यू विल गेट इट। और बताओ, और किसको क्या चाहिए? हाँ हाँ, ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ओके, मतलब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है वैसा फीडबैक मिलना चाहिए, ओके, वेरी गुड यार, कम ऑन, वेरी गुड। हाँ अच्छा, एनीथिंग एल्स? हाँ, कहाँ से आवाज आ रही? मस्ती में? ए यार, ये बात बताना भूल गया मैं, तुम एक बात सुन लेना भाई, ये आज ये साधु संत के जैसे बैठे रहे, बट क्लास में एक बात बता देता हूँ कि मस्ती करते रहना, राइट? मैं, मेरे को मेरा जिंदगी का किस्सा बता, मैं क्लास में बैठा हुआ था, और क्लास में बैठा हुआ था, सर बहुत पका रहे थे, सर है, होते हैं ऐसे, तो पका रहे थे, अब नहीं समझ में आ रहा था, बाहर जाना था, क्लास से बाहर नहीं जा रहे थे, तो फिर मस्ती सूझी, बेंच के नीचे बैठा, और नीचे बैठकर सर को जोर से चिल्ला के पूछा, सर मी कूठे, समझ में आया इसका मीनिंग? मैं कहा हूं सर, बताओ। बस सर ने बोला फिर बाहर जाओ बोलकर, मेरे काम हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? क्या तुम जैसे हो वैसे ही रहना, मस्ती करते रहना क्लास में, बस ध्यान रहे किसी पर्सनल व्यक्ति पर टिप्पणी, स्पेशली गर्ल्स पर, आई विल नॉट टॉलरेट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इजी टारगेट को टारगेट करना अलाउड नहीं है। बाकी तुम मस्ती करो, थोड़े से अच्छे जोक्स मारो, जैसे मेरे को भी मजा है, तुमको भी मजा है, सो दैट इज ऑल अलाउड। मतलब तुम बच्चे बच्चे जैसे रहना, मुझे सीरियस लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, हम सिंसियर हैं। ऑलराइट, ओके, तो अभी एक एक क्वेरीज को मैं सॉल्व करता हूँ। सो योर क्वेश्चन वॉज कि सर डाउट क्लियरेंस, नो इश्यूज। डाउट क्लियरेंस का इस बार रेड्रेसल सिस्टम क्या है? जो ऑनलाइन लाइव बच्चे हैं, अभी जैसे मैं उनके फीडबैक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उनके लिए हर रोज मैं लाइव जाऊँगा फॉर अनदर 15 to 20 minutes, जहाँ पर उनके क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ तक कि आपकी बात है, तो आपको जो क्वेरीज है आप क्लास में पूछ सकते हो, और ये फायदा ये भी होगा कि ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स की भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैठे हो और अगर आपकी मैं क्वेरी सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो जाहिर सी लॉजिकल बात है मैं ऑनलाइन लाइव की भी क्वेरी सॉल्व कर पा रहा हूँ, बट क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं तो उनके लिए मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा। सो कई बार ऐसा होगा कि क्वेरी पूछने के बाद में अगर क्लास की स्पीड स्लो हो रही है या फिर उस बच्चे का ध्यान नहीं था, तो उस केस में हमें ये करना पड़ेगा कि क्लास को आगे ले जाया जाए और उस व्यक्ति को ये बोला जाएगा कि आपकी क्वेरी बाद में सॉल्व की जाएगी। मैं उन मानने वालों व्यक्ति में से नहीं हूं कि आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया। मैं इंटरेक्शन में बिलीव करता हूं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्टाइल होती है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्या समझ में नहीं आया, और उसमें मैं आपको कहीं पर भी कम नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्कस करता हूं, यू अंडरस्टैंड। मैं अभी आपको जितना भी डिस्कशन किया, मैं हर जगह पर स्पेसिफिक बात ही कर रहा हूं,
कि आप ड्रिल डाउन करो, आप स्पेसिफिक पॉइंट पर आओ. स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आप क्वेरी आकर पूछेंगे तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा आपकी क्वेरी सॉल्व करना. तो जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, हम बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली ये तकलीफ है, तुम ऐसे जाके बोलो कसतरी होता है, तो वो डॉक्टर बोले काय होता है. हम जाके बोलते हैं क्या कुछ तो हो रहा है सर, कुछ तो हो रहा है, मतलब कहाँ क्या हो रहा है, मेरे को क्या मालूम भाई. तो तुम अगर ऐसा बोलोगे समझा ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, मतलब मैं भाषा तो एक ही बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि तमिल में बात कर रहा है एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो आई एम टॉकिंग हिंदी और इंग्लिश, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड यू आर नीड टू गिव मी द फीडबैक ऑन दैट. ऑलराइट, सो क्वेरी का समझ में है. एज फार एज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं खुद बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, और मैं बिना क्लासेस के पास हुआ बच्चा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप पास हो सकते हो. ये मैं आपका वचन दे रहा हूँ इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को, जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 110% रहेगी. होमवर्क इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि होमवर्क जब तक आप करोगे नहीं खुद से तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और होमवर्क करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका R1 उसी समय टिक हो जाता है. राइट, सो होमवर्क प्रॉब्लम्स विल बी गिवन बियॉन्ड अ डाउट. इसके अलावा और एक चीज़ जो मैं आपको क्लास में कराता हूँ वो है क्वेश्चंस ऑन टाइमर. ये कई बार मेरे पास बैकफायर भी होता है बट उसके बावजूद भी मुझे करना पड़ेगा. टाइमर का क्या होता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन है और वो 15 मार्क के लिए आया है या फिर 10 मार्क के लिए आया है, तो आपके एग्जाम में तो टाइम मर्यादित है. मेजॉरिटी बच्चा सीए में फेल होता है क्योंकि उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता है. ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे को आ रहा है, जस्ट इसको फील करना आप एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील करना. दुर्भाग्य की कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आ गया, उसको समझ में भी आ गया और उसकी प्रैक्टिस भी हो गई, वो एग्जाम हॉल में जाके बैठता है और उसका पेपर छूट जाता है, और छूटने के पहले और एक चीज समझ लो कि उसको आ रहा था, उसको आता है, पेपर छूट गया. इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी. तुम समझे कि नहीं समझे बात को. यहां पर टाइमिंग ही सब कुछ है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको अली आप कितने मिनट दे सकते हो, 18 मिनट्स. 3 घंटे मिलते हैं, मतलब 180 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब एक मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट मिलेगा. सो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि जितना भी आपका क्वेश्चन है 10 मार्क का उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना है एग्जाम कंडीशंस में. सो मैं इधर आपको थोड़ा सा पुश करता हूं और आपको बोलता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इतने समय में चालू सॉल्व करिए, तो आपके स्क्रीन पर आपको टाइमर दिखेगा जो एग्जाम क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको क्लास में सॉल्व करना है. हैव यू अंडरस्टूड. और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा स्केल पेंसिल पर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा ऑन योर हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन. जिन बच्चों के हैंडराइटिंग स्लो है उन्होंने इम्प्रूव करने को ना, जिन बच्चों के हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उन्होंने उसको सुधारने का. ऐसा एक दिन में कभी नहीं होगा, तो इससे निराश होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कई बार बच्चों का सॉल्व नहीं होता तो वो क्या फील करते हैं, लो. तुमको ये देखना है कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है. तुम्हारे उसको इग्नोर करने से वो चीज़ गायब हो जाएगी ऐसा नहीं है. तुम रोग को इग्नोर करते हो तो गायब हो जाएगा ऐसा नहीं है, इट विल एक्सपांड मोर. तुम्हें पता है ना, बीमारी को अगर आप इग्नोर करते हो तो बीमारी क्या होती है, बढ़ती है कम हो जाती है. तो आपके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करना अच्छा रहेगा या उसके ऊपर काम करना अच्छा रहेगा. तो ऐसे कई बार देखा है मैंने बच्चों को कि दे फील लो, अरे सर मेरे से नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, बावजूद इसके आपको ये करना पड़ेगा. क्या मंडली मग शुरू करेंगे क्या अभी अपन टॉपिक, ठीक है. सो राजा बेटा जी, ऑलराइट, एक घंटे से मैं तुमको ज्ञान पेल रहा हूं क्या, ऑलराइट. और किसी बच्चे की क्वेरी है क्या इधर, ऑल राइट, चलो कोई क्वेरी नहीं. टॉपिक का नाम लिखिए. टॉपिक का नाम लिखिए, इंश्योरेंस क्लेम. सुनो ना, सुनो ना, एक स्माइल तो रखो ना. तुमको ऐसा लगता है ना, ये क्या है, बड़बड़ करते रहता बाबा, स्माइल करते रहने का, कीप स्माइलिंग. इंश्योरेंस क्लेम लिख लीजिए, इजी टॉपिक. ए बाबा ये क्या हो गया रे, मैं बोल सोच ही रहा था कि कुछ चीज़ भूल गया हूँ, एकदम क्लिक हुई अभी. हाँ ये पेपर पैटर्न बताना भूल गया मैं आपको, और वो ज़रूरी है.
एक दो मिनट बेटा, एक पेपर पैटर्न स्टडी कर लेते ताकि आपको पता रहेगा इंश्योरेंस क्लेम कितनी बार आया है और कितना इंपॉर्टेंट है। सो पेपर पैटर्न बेटा जी, अगर मई 18 का पेपर आप देखेंगे, राइट, यहाँ पहले मई 18 का करूंगा और फिर जनवरी 21 का करूंगा। सो मई 18 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी होता है। इसमें चार क्वेश्चन आते हैं, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। सो ये 4 × 5, पहला क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ? 20 मार्क्स। एग्रीड? सेकेंड क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि कैसे रहेगा सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के ईच। जनरली आप देखेंगे तो एक भी पेपर पैटर्न में इसमें वैरायंस नहीं है, दो क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच, टू क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। तो अभी तक का अगर हम देखेंगे सारे अटेम्प्ट, तो पहला क्वेश्चन 4 questions of 5 marks ईच, सेकेंड क्वेश्चन इज 2 questions of 10 marks ईच। देन व्हेन वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 3, इट हैज गॉट 2 questions of 10 marks और 1 question of 15 marks एंड 1 question of 5 marks। कैन यू प्लीज चेक? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 में 2 question आए थे 10 mark के ईच, या 2 question आया था 1 15, दूसरा 5। फिर मई 19 में ये आया था 12 mark और 8 mark। दिसंबर 20 में अगर आप देखेंगे तो इट वॉज 2 questions of 10 marks ईच एंड 2 questions of 10 marks ईच। सो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हैव रेंज्ड फ्रॉम 5 marks to 12 marks। आई रिपीट, 5 to 12 marks, मतलब 5 mark का भी आया हुआ, 8 mark का भी आया हुआ, 12 mark का भी आया हुआ, 10 mark का भी आया हुआ। एग्रीड? गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अगेन लिटिल वराइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 5 mark का एक क्वेश्चन है। ये मई 18 की बात है। जब हम नवंबर 18 में जाते हैं तो 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन आया। ये एक ही एक्सेप्शन था जब 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ रहा था वो एक ही एक्सेप्शन मिला कि जस्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आया, मतलब एक ही क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, राइट? तो इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में वापिस मई 19 में वापिस आया एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। एग्रीड? और बाकी के क्वेश्चन जो है वही पैटर्न है, 2 questions 10 मार्क्स के वगैरह वगैरह। एंड क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड पैटर्न। 12 और 8 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, 12 8 12 8 12 8। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन अ वेरी सिंपल पैटर्न, वेरिन यू हैव गॉट क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच एंड यू हैव गॉट 5 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, सो 25 मार्क्स, उसमें से एनी 4 आते हैं, एनी 4। जो पहले क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, ये 20 मार्क का हो गया, और बाकी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने होते हैं। कितने बाबू? क्लियर हो गए? तो 4 सॉल्व करेंगे तो 80 मार्क्स आ जाएगा, तो मतलब टोटल आपका पेपर आता है 125 मार्क का। सर हुकम 125 मार्क्स, लास्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 25, यस और नो? सो 125 में से आपको कितने मार्क्स अटेंड करने होते हैं? 100। क्लैरिटी है क्या? अच्छा, अब इसका पेपर एनालिसिस किसी को बताने की इच्छा होगी तो कुछ समझ में आया क्या? किसी को कुछ आइडिया क्या समझ में आ रहा है आपको ये सब कुछ देखने के बाद? थोड़ा सा जजमेंट लो, थोड़ा सा जजमेंट लो, नहीं होशियार बनो, तुम सीए बनने वाले हो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है? ज्यादातर क्वेश्चन कितने मार्क के आ रहे हैं? 5 और। तुम्हें क्या लगता है बहुत मुश्किल होंगे क्या क्वेश्चन? अच्छा, पहला क्वेश्चन कितने मार्क का है? 5 मार्क्स, 20 मार्क्स वहां पर, और लास्ट क्वेश्चन कितने मार्क का है? अच्छा, दोनों क्वेश्चन के अगर वेटेज ले तो ये 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। मुझे बताओ 5 मार्क के क्वेश्चन मुश्किल आ सकते हैं क्या? हाँ, इसमें अगर आप आंसर उसी समय नहीं लिख पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। 5-5 मार्क के क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत ईजी जाएंगे जो पूरी पढ़ाई करके जाते हैं, और 5-5 मार्क के क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत मुश्किल जाएंगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स में भी चीजें छोड़ देंगे। एग्जामिनर फिर उन चीजों को पूछता है। तो पहला क्वेश्चन तो एएस पर ही आता है, और बाकी का क्वेश्चन नंबर 6 एएस और बाकी की चीजों के कॉम्बिनेशन पर होता है। तो पासिंग के लिए एएस परफेक्ट होना तय है, राइट? एंड यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट एवरी स्मॉल थिंग इन योर पेपर। लेट्स गो ऑन। ये देख लो, ये प्रेजेंटेशन देखो बेटा, इधर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 5 मार्क के, इधर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 5 मार्क के, इधर 45 मार्क्स, और इधर कितना आया? 50, एंड अगेन ईयर 45 मार्क्स, एंड ईयर इट इज 45। ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब 5 मार्क का कॉम्बिनेशन वॉज मोर देन 40% ऑफ योर पेपर, यस और नो? 40% ऑफ द पेपर आपका 5 मार्क्स से गिरा हुआ था। नेक्स्ट जो है 60 मार्क्स इज ऑफ 10, इधर 20 मार्क, ये एक्सेप्शन था, इधर 40 मार्क्स,
इधर 60 मार्क और इधर 60 मार्क्स और इधर 40 मार्क्स। मिस्टेक नंबर वन अभी बता दूं कि कई बार बच्चा ये करता है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसके ऊपर पूरी जान डाल देता है कि उसको ही करते रहता है, और जो बाकी के इजी टॉपिक से जिस पर ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं उसको काम नहीं कर पाता है और उस पर स्पीड पर कभी फोकस नहीं करता। तुम देखते नहीं हो क्या? अभी देखो, तुमको एक टॉपिक आता होगा इंश्योरेंस क्लेम, तुम बोलते हो आता है, बट उसको जो स्पीड चाहिए उसके ऊपर आप काम नहीं करते हो। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर योर फेलियर। सो बेटा जी, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अकाउंट्स का स्टडी पैटर्न इस तरीके से रखना कि आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसमें से कुछ चीजें आए। पहला रूल, मतलब देखो, मैं कैसे बिलीव करता हूं, आई टेल यू, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि तुमको डायरेक्टली 100 का टारगेट करना है। मैं बोलता हूं कि पहले 60 का टारगेट करो, फिर 80 का टारगेट करो, फिर अबव 90, एंड देन यू शुड थिंक अबाउट 100। डायरेक्टली है ना, डेढ़ हुशारी नहीं करने की, पहले 60 का टारगेट चाहिए। 60 का एग्जम्पशन मतलब तुम तुम्हारे रेज्यूमे में लिखोगे कि भाई मुझे एग्जम्पशन आया। आई मीन यू विल हाईलाइट इट, यू सी आई हैव गॉट एन एग्जम्पशन, आई हैव गॉट अबव 60, एंड यू कैन सी योर स्कोर्स इन योर सीए फाउंडेशन लेवल, कि जिस केस में आपको पता चलेगा कि 70-75 मिले तो तुम खुश हो रहे हो, वही 11-12 में मिलते तो तुम खुश नहीं हो रहे थे। सीए फाउंडेशन में तुमने फील किया, सर आई हैव स्कोर्ड सो मेनी मार्क्स, यू फील गुड। सो मैं तुम सभी लोगों से भी यही चर्चा कर विषय ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, आप जो कम मार्क्स के क्वेश्चन है उसके ऊपर पूरा फोकस बनाए रखना, उसमें नेग्लिजेंस एक ही रीजन है, स्पीड एक ही रीजन है जिसकी वजह से आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता और आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हो। क्योंकि कॉमन बचपन से अपन ऐसे ही करते आए ना यार, कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है उस पर फोकस कर रहे हैं, बट सीए में कंसिस्टेंसी आपको उन क्वेश्चंस में बना के रखनी पड़ेगी। 12th में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और मैं फाउंडेशन में बता दूं आपको गारंटीड 80% प्लस बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं होते। यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रॉम इंटरमीडिएट अभी देख लेते, फाउंडेशन में कितने बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं हुए? प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, फाउंडेशन में कितने बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं हुए? नहीं, एक आध मार्क दो मार्क उसे कोई लेना देना, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आ नहीं रहा था, वो छोड़ गया, वो भी नालायक है, उनका भी पेपर इनकम्प्लीट ही है। सो अभी ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब जो बच्चे अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर वो लिख के आते तो जाहिर सी बात है यार उसके और एडिशनल मार्क्स मिलते ही मिलते थे। ए रसगुल्ले, समझ में आ गई क्या बात? बच्चों समझ में आई क्या बात? बच्चों तुम कैसे हो? अच्छो ठीक है, लग नहीं रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे बात करनी है आपसे इंश्योरेंस क्लेम की ना। हाँ, हाँ बेटा, ये रहा इंश्योरेंस क्लेम, ये देख लो इंश्योरेंस क्लेम ये वाला रहा। सो इट वाज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, ये दिखा गया इंश्योरेंस क्लेम। सो इट वाज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। प्रत्येक एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा गया था। और ये टॉपिक आप कब कंप्लीट करने वाले हो मेरे साथ क्लास में? बोलो, वचन देते हो क्या? Yes, आपको टॉपिक किसके साथ कंप्लीट करना है? मेरे साथ क्लास में। क्या ये पॉसिबल है क्या? Yes, और अगर मान लो थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपने कंप्लीट कर दिया तो क्या 10 मार्क तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? Yes, अगर हम अभी पुराने पेपर पैटर्न से जाए, एनालिसिस से जाए, तो हर एक एग्जाम में कितने मार्क का क्वेश्चन है? 10। तो इस पर आप 5 एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चले, सो राइट डाउन द हेडिंग इंश्योरेंस क्लेम, हियर आर वी इंश्योरेंस क्लेम, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इधर लिख लीजिए 10 मार्क्स के लिए आसपास आता है, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। डन, नेक्स्ट, इजी, इट इज अ इजी टॉपिक। थर्ड पॉइंट, नो अकाउंटिंग, वाओ, मैं कुछ अकाउंटिंग नहीं सिखाने वाला इधर, इस पूरे टॉपिक में नो अकाउंटिंग। साइंस का बच्चा तू भी खुश, कॉमर्स का बच्चा तुम ज्यादा खुश, इसमें कोई भी अकाउंटिंग नहीं सीखने वाले। मतलब अकाउंट्स का प्रयोग जरूर करेंगे बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी अकाउंटिंग। समझ गए? तो शुरू करें फिर। यो बड़ी, सो क्या इंश्योरेंस क्लेम में समझाता हूँ, सुनो। कोई बताएगा इंश्योरेंस क्लेम मतलब क्या, तुमको क्या लगता है? आ,
बताओ ना क्या इंश्योरेंस क्लेम क्या है? ओके, एनीवन एल्स? मतलब मालूम ही नहीं होगा ना इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, पहली बार सुने होंगे लाइफ में। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि आइंस्टाइन कुछ तो बात कर रहा है। क्या होता होगा ना इंश्योरेंस क्लेम? तुम्हारा नेता है क्या ये? मैं नहीं जा रहा, मैं भी ऐसे ही बैठ रहा है। तुम बताओ नहीं, तुम्हें भी, मैं भी ऐसे तुम्हारे जैसे देखूंगा ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यस बेटा बोलो। कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस, ओके, व्हाट एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? सो ही वॉज सेइंग दैट, आई जस्ट आंसर टू हिज, ही वॉज सेइंग दैट कि जो रिस्क कवर करते हैं और उसके बाद में जो क्लेम्स मिलते हैं उसको इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं, बराबर है? वही वही बता रही थी, ठीक है, वही ये भी बता रही थी। और सो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम। बेटा किसी भी वस्तु के दो टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं, किसी भी चीज के दो टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं। एक इनहेरिटेंट लॉस, वन इज इनहेरिटेंट लॉस। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंट लॉस? सो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग शुगर केन, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शुगर केन? क्या? गन्ना। वेरी गुड। सो गन्ना अगर आप ऐसे ही पड़े रखोगे, ऐसे ही रख रखोगे तो क्या होगा? गन्ना क्या हो जाएगा? ये बैच खतरनाक है यार, मतलब पिछला बच्चा इतना नालायक था। गन्ना ऐसे ही रखोगे और उग जाएगा, मतलब भाई भाई बहुत भारी तू तो ऐसा और उगता नहीं है गन्ना, ऐसे ही पड़े रखेंगे तो गन्ना क्या हो जाता है? सूख जाता है। नाउ इट इज एन इनहेरिटेंट लॉस, कैन यू इंश्योर इट? द आंसर इज नो। इसका इंश्योरेंस हो सकता है क्या? नहीं। पेट्रोल इवेपोरेट होता है, इनहेरिटेंट लॉस, इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। सो देर आर सम थिंग्स विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, लाइक इवेपोरेशन ऑफ द पेट्रोल। इसको आपकी भाषा में शब्द यूज करते हो कॉस्टिंग में, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी इंश्योर्ड, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, लाइक लॉस बाय अर्थक्वेक, कैन इट बी इंश्योर्ड? लॉस बाय अर्थक्वेक, कैन इट बी इंश्योर्ड? इट कैन बी इंश्योर्ड, व्हाई? नो, एक्ट ऑफ गॉड तो इंश्योरेंस क्यों नहीं होगा उसका? मतलब अर्थक्वेक से कोई चीज का नुकसान हो गया तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता, ऐसा बता रहे तुम? ए काय बोलता है तुम्हें? अच्छा मैं बता दूं, आग लग गई, दोनों में क्या फर्क है कुछ मालूम है क्या? बस ठीक है, ऐसे बोलना। अच्छा आई टेल यू समथिंग, लॉस बाय फायर कैन इट बी इंश्योर्ड? यस। फसल बीमा, इसका मतलब क्या है? फसल बीमा सुना होगा ना, फसल बीमा। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं नालायक तुम्हारे लिए, तुम सुन नहीं रहे हो यार। फसल बीमा क्या होता है? कि मतलब आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी फ्लड, इट कुड बी यू नो बिकॉज ऑफ द अनड्यू रेनफॉल, गलत समय पर रेनफॉल, या उसको कोई कीड़ा लग जाना, कुछ भी, तो उसका फसल का बीमा होता है। सुना है नहीं सुना है? सो बेटा दीज आर द काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, दैट इज नॉट एन इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ इट। मतलब ऐसा नहीं कि फसल उगाई तो खराब होनी है, कीड़े लगनी है, ऐसा नहीं होता। वो इनहेरिटेंट लॉस नहीं है, इट इज एन एबनॉर्मल इवेंट। फ्लड आ जाना, इट इज एन एबनॉर्मल इवेंट। सो मेरे राजा बेटा जी, जो एबनॉर्मल इवेंट होते हैं, जैसे कार का एक्सीडेंट हो जाना, सो दिस इवेंट्स आर कैन बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस किस लॉजिक से काम करता है? हम इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करते हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी उसके एवज में हमारी वस्तुओं का इंश्योरेंस कराती है। इंश्योरेंस कराती है मतलब उसका रिस्क कवर करता है। एग्रीड? तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कितने बच्चों के पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, जो कुछ भी, इधर नहीं रहे, तुम्हारे घर में है। कहा है तुम? मेरे पास में भी नहीं, मेरी बाइक को देती नहीं है मेरे को तो है तुम्हारे पास? अच्छा मुझे बताओ, तुम तुम्हारी गाड़ी को ठोक दोगे तो क्या होगा? क्या करोगे गाड़ी को ठोक दोगे तो? पापा मारेंगे। वेरी गुड, ये बात भी सही है। तो गाड़ी को ठोक दोगे तो तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दैट्स इट। सो ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इंश्योरेंस क्लेम मिलता है अलग अलग लॉसेस के लिए। जैसे एक्सीडेंट से लॉस हुआ उसका क्लेम मिलेगा, आग लग जाने से लॉस हुआ उसका क्लेम मिल सकता है, फ्लड की वजह से लॉस हुआ उसका क्लेम मिल जाता है। बट हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले, सुन लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज ऑफ
लॉस बाय फायर, मतलब बेटा जी हमारे बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ आग ही लगने वाली है। तुम बाढ़ नहीं कर सकते, तुम भूकंप नहीं ला सकते, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कीड़ा नहीं लग सकता, कुछ नहीं। एक ही तरीके से नुकसान होगा, आग से। समझ आए? सो इधर एवरीथिंग विल बी गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओनली बिकॉज ऑफ फायर। थोबाड़ नका बगू लिच चला, लिखने का है। इधर मराठी कितने बच्चों को आती रे भाई? ला एवडी पूरे वाह। तो थोड़ा बहुत मराठी में ऐसे एक आध डायलॉग मारे गए हमें। हाँ, एक आध, एक आध, एक आध डायलॉग। पर तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस, तुम्हारा बचपना छीन लिया तुमसे। घर वालों ने ऐसे मार मार के बिठाया लग रहा है मेरे को पीसी के सामने। बैठने लायक पैसे का ही को भरे है। दैट्स गुड यार। क्या बात है, जोरदार जोरदार जोरदार। ऑलराइट, सो नेचुरल कैलमिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर में भी दो प्रकार का नुकसान हम देखेंगे। झंपुड़े सुनना, लॉस बाय फायर के बाद में हम कितने प्रकार के लॉस देखेंगे? दो प्रकार के। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, ये आपको लिखना है ऐसे ही, लॉस ऑफ स्टॉक। और दूसरा वाला लॉस है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा वाला है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो क्या होगा सुन लो। मान लो आग लग गई बिजनेस में, तो बिजनेस में, ये बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में आग लग गई। इधर मान लो कुछ कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इधर कुछ एक कबर्ड पड़ा हुआ है, इधर स्टॉक पड़ा हुआ है, राइट, इधर कुछ और भी कुछ रहेगा, कैश पड़ी हुई है। सो जब आग लगेगी हमारे यहां पर, तो हमारे बुक्स में आग सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉक को जलाएगी, उधर फिक्स्ड एसेट नहीं जलने वाली, कैश नहीं जलने वाली, बाकी की चीजें, आदमी का, किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। हमारे टॉपिक में क्या होने वाला, किसको आग लगने वाली? सिर्फ स्टॉक को। और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या बताता हूं मैं, बट सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां पर आग लग सकती है स्टॉक को। तुम पूछोगे सर टॉपिक ऐसा क्यों लिया, तो थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूं क्यों लिया। तुम इसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ाव है आपका, वो इंटरमीडिएट के बाद आप जाओगे आर्टिकलशिप में। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो शायद इंश्योरेंस कंपनी के आपको ऑडिट मिले, और इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट में जाते वक्त आपको यह ना रहे कि इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कैसे करते हैं पता ही नहीं है, तो उन्होंने कोई एक चीज को सिलेक्ट करके आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप इंश्योरेंस क्लेम पूरा समझ जाओगे। सो इंश्योरेंस क्लेम और भी होते हैं, जैसे लाइफ, किसी व्यक्ति का मर जाना, उसके अंदर भी इंश्योरेंस मिलता है, एश्योरेंस बोलते हैं उसको एक्चुअली। अगर मान लो किसी का मेडिकल इंश्योरेंस, अभी कोरोना के केस में कि कोई आदमी बीमार हो गया, तो उसको भी जो इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर, उसमें से कोई एक पार्ट समझाया जा रहा है ताकि अगर आप कभी ऑडिट में जाओ तो आपको एक बेस पता हो। क्लैरिटी आई? तो हमारे यहां पर क्या जलने वाला है? आओ, क्या जलेगा? स्टॉक जलेगा, एब्सोल्युटली राइट। और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। सपोज मान लो भगवान न करे ऐसा है कि आग लग गई, इधर लगा दे, इधर लगा दे, स्टॉक नहीं, इधर आग लग गई। सपोज मान लो आग लग गई, क्या हुआ? नहीं वो टेंशन मत ले, नहीं लगेगी रे, तुम्हारी इतनी पॉजिटिविटी है, नहीं लगेगी। बट फील करने के लिए इससे बेहतर जगह, इधर आग लग गई, लग गई क्या? अब आग लग गई पूरा खत्म, किसी को जान हानि कुछ नहीं हुई, सब लोग तंदुरुस्त है, घर पर है, सब लोग नीचे से देख रहे थे, ओ हुआ। लोग घर पर पहुंच गए, फायर ब्रिगेड वगैरह वाले लोग आए, सब बुझा दिया, कर दिया, इधर गाना आना भी हुआ, दिलमा बड़ी आ गए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सब बंद हो गया। सर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, सीरियस लोगों को लड़कियां भी पसंद नहीं करती, खुश रहने का। हाँ, पीछे नहीं देखने का, अपन ही चले थे। सुन रहे क्या अभी आप बात? आग लग गई, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे बताओ, कल मुझे लेक्चर लेने का है, कल लेक्चर लेने का है, इधर पूरा समझ में आ रहा है? राख है, साइड में से रख बेटा, राख है उधर। सो राख आग दिख रही है आपको, सब इधर काला काला हो रखा है, क्या करोगे फिर? लाइव स्ट्रीमिंग वाली, मैं इधर आऊंगा। तो क्या होगा इधर, इधर क्लास हो पाएगी क्या? अच्छा, क्लास नहीं हो पाएगी, तो बिजनेस एंगल से बताओ मेरा क्या नुकसान हो रहा है? एब्सोल्युटली राइट। तो जब आग लगने से बिजनेस को नॉर्मलसी पर आने के लिए समय लगता है, तो उस दरमियान जो आपका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सो टू गिव यू एन एग्जांपल,
जब ताज होटल पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ, तो टेररिस्ट अटैक में क्या हुआ, होटल को एक हिस्सा जला दिया गया। ओ बाबू मोशाय, होटल का एक हिस्सा क्या कर दिया, जला दिया गया। तो वो होटल खुल गया या बंद रहा वो पार्ट? इट रिमेन्ड क्लोज फॉर सो लॉन्ग, सो व्हेन इट रिमेन्ड क्लोज दे लॉस्ट ऑन देयर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। सो वी आर गोइंग टू लर्न टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वन इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड द अदर वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। वन वेरी गुड न्यूज इज इन दोनों लॉसेस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इल्ले नो कनेक्शन। दोनों ही टॉपिक्स में कोई कनेक्शन है? नो, देयर इज नो कनेक्शन। सो कुल मिलाकर अभी हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, ये दो है, उसमें से हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, ये भी एग्जाम में आता है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी आता है। सो सभी लोगों को मोटा मोटी पता चल गया कि लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होता है। सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक बिकॉज ऑफ फायर। अब इसमें होगा क्या सुन लेते हैं। यार संतोष मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है कि इस, तुमको क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा लाइट बंद करना संतोष ठीक। इन बच्चों को दिख रहा है कि मेरे रसगुल्लों को? यह सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा बेटा जी, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू विद द सॉफ्ट कॉपी, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ हाँ ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बिकॉज ऑफ फायर, सुनते हैं अभी। नहीं हुआ, खेलते रहे बेटा, कोई कोई कहाँ है इधर, टाइम है, करो आराम से करो, और कोई बटन दबाने तो दबा दे वो भी, ये तुम्हारे वहां पर भी बटन है क्या रे कोई? अरे इसको जानते कि नहीं जानते हो तुम, ये हमारा संतोष बाबू है, हमारे साथ में रहता है हमेशा, बहुत जोरदार आदमी है एकदम, समझे कि नहीं? प्रसाद वो इधर आता है कभी कभी आता है वैसे ही, बट ये जोरदार बाबू है अपना। सुनो प्रसाद बाबू टेक्निकल हैंडल करता है वो नीचे अभी। तो सुनो अभी लॉस ऑफ स्टॉक में आपको पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है पता होना चाहिए। मालूम है क्या, कहां पे था? एलकेजी में। फिर कहां था बताओ? टेंथ में। अरे कहां था भाई? अच्छा अब तो तुम नहीं बोल सकते मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन साइंस। तो आशा कर, कोई है ऐसा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस? सो मतलब फाउंडेशन तो कम से कम आपने कहां से पढ़ा? तुम ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस हो? सर सल्यूट, एंड प्लीज टेक माई वर्ड सर, इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी, and I'll make it a point that you know we go through sail through very well. In fact mere pehle do vidyarthi engineers the and they qualified CA, so don't worry, we'll take care of it. All right, so I am asking you all to make a trading account. Bana sakte ho kya? Ha fir mera chehra mat dekho, mujhe nahi aata hai, tum bana ke batao. Bhaiko ne aaj bilkul revision nahi liya hai, busy thi aaj, to mujhe trading account nahi aata hai. Ab banao sir aise, koi chinta mat karo, aur milo mere se aaj, hai na? सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, यहां पे डेबिट होता है, यहां पर क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ रसगुल्लो। YouTube पर 5 दिन चलेगा बेटा, वी कांट सी प्रॉपरली। क्या नहीं दिख पा रहा है प्रियंका जी आपको? मुझे तो इधर YouTube पर सब कुछ दिख रहा है भाई। नलायको ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ रे, बना दिया क्या? ये ऐसा नहीं बनाने का, उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा बाबू, शादी में है क्या मेरी नलायक? लिख जल्दी से वहां पर, ये थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र से हूं और जिन बच्चों के साथ पला बड़ा वो थोड़े से नलायक थे, मेरी कोई गलती नहीं थी, अच्छा बच्चा था मैं, तो थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में आपको लगेगा ऐसा, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज आएगी, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया पीपल विल फील दैट यू नो आई एम अब्यूसिव, बट भरोसा मानो मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ और ऐसी कोई गलत बात करता नहीं हूँ, मतलब मम्मी पापा बहुत मारते मेरे को अभी भी, ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मेरी लैंग्वेज में जो कोई भी तरीका है वो बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र, और अब दूसरा एक रीजन संतोष भी है। चलो लिख लियो क्या बाबू? रसगुल्लो चेहरे पर स्माइल रखकर लिख लियो क्या, बताओ ना ट्रेडिंग अकाउंट? ये नहीं लिखना है, इसके अंदर क्या है वो लिखना है, लिख दिया पूरा,
चलो बताओ क्या क्या लिखा. टू, मुझे आवाज ही नहीं आई. ओहो, टू ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड. ये मैंने लिख दिया 2000, ठीक है. आके फिर टू परचेसेस, ओके. ये परचेसेस अकाउंट. अच्छा, कुछ होता है यार यहां पर, क्या करते हैं? परचेस रिटर्न माइनस होता है. ओके, लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट इज 50,000 एंड यर इट इज 10,000. आउटर कॉलम में हो जाएगा 40,000. ओके, ये तो समझ में आ गया मेरे को. फिर कैरेज इनवर्ड, वेजेस लिख दूं क्या? वेजेस, वेजेस 10,000 लिख रहा हूं, लिख रहा हूं बेटा. एक हाथ है, हाँ. टू फ्रेट, और पिल्लू फ्रेट, कैन आई राइट डाउन 2000? रॉयल्टी, वेरी गुड. पावर एंड फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, बस अभी इतने काफी है बेटा. टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड. ओके, लेट मी राइट डाउन 4000. और क्रेडिट साइड में क्या आएगा पिल्लू? ओहो बाय, आज तुम्हारे मम्मी पापा देखते तुम्हें तो कितना खुश होते है. मेरा बच्चा कितना आंसर दे रहा है, ठीक है. बाय सेल्स, सेल्स लिख देता हूं 70,000. तुम बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा. माइनस सेल्स रिटर्न, और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 60,000. ओके, कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? बहुत जोरदार बच्चे हो तुम. बाय क्लोजिंग स्टॉक, सो मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, वंडरफुल. कैन आई नॉट राइट डाउन 12,000? ओके, और क्या आएगा? बाय ड्रॉइंग, बट ड्रॉइंग किसका? कैश का, किसका? गुड्स का. सो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स. ओके, सो कैन आई नॉट राइट डाउन 15,000? लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, स्टॉक विद कस्टमर, तू भी खुश रहे. लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर. बाय स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर, कैन आई राइट डाउन 10,000? ऑलराइट, अब मुझे बताओ, अब क्या ये टैली हो जाना चाहिए क्या? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जिंदगी में कुछ काम हमें खुद को ही करने पड़ते हैं. समझदार हो तुम, समझ रहे हो ना? जिंदगी में कुछ काम हमें खुद को ही करने पड़ते हैं. उसमें से एक काम यह है कि खुद के कैलकुलेशन खुद करो, और अगर खुद के कैलकुलेशन खुद नहीं करते तो समझ जाना तुम्हारा काम कौन करेगा. कैलकुलेटर सभी लोग कैरी करेंगे, ओ अरे बट कैलकुलेटर निकालो. और जो जो लोग दो लोगों में एक टूथब्रश यूज करते हैं, वो दो लोगों में एक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. जिनके ब्रश सेपरेट है, वो सभी लोग अलग अलग कैलकुलेटर यूज करेंगे, अलग अलग स्केल, अलग अलग पेंसिल यूज करेंगे. 39,000 प्रॉफिट है लॉस है? सो टू, इसको बोलेंगे जीपी 39,000. बेटा सुनो, अभी इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से चर्चा कर लेता हूं कि किसका मीनिंग क्या है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं. आर यू ऑल रेडी नाउ? सो द फर्स्ट आइटम यू हैड वॉज ओपनिंग स्टॉक. Let's understand the basic interests of the trading account. Hey, Santu, idhar. Idhar khado. Haan, idhar khado. Ye haath aise kar le. Ye hamara kaun sa account hai maloom hai kya? Trading account. Dikh nahi raha idhar. Nahi, idhar aaja. Ye apna trading account hai. Agreed? Is account ko aapko samajh jana, iske andar goods hai. Kya hai? To maan lo, ye dhanda kiska kar raha hai? Calculator ka. Kiska? Calculator ka. ये देना, लेके नहीं जाता घर पर. अच्छा, थैंक यू, वापिस देने के. ये किसका बिजनेस कर रहा है? कैलकुलेटर, हो सकता है ना. सो ये कैलकुलेटर का बिजनेस कर रहा है, तो इसकी दो साइड्स है. कौन सी? लेफ्ट राइट? हाँ, डेबिट क्रेडिट. सो डेबिट क्रेडिट, अब तुम मुझे बताओ डेबिट साइड तुम्हारे हिसाब से कौन सी है? ये वाली? अच्छा, ये वाली साइड डेबिट है. दोनों तरफ नहीं जाते रहे नलायक.
खड़ा करें इसे. सो ये उसकी साइड जो है, ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड. तो जब आप कैलकुलेटर को बाय करते हो तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड में. मुझे बताओ इसके पास और क्या क्या होगा? तेरे पास गाड़ी है क्या? हाँ इसके पास गाड़ी है. गाड़ी इधर डेबिट में आएगी क्या? गाड़ी डेबिट में आएगी क्या? इसका धंधा किसका है? तो इधर क्या आएगा? क्या गाड़ी आएगी? स्टेशनरी तो पक्का आएगी? नहीं आएगा. ये लाइट्स, ये बेंचेस, पेन, कपड़े, जूते, मतलब इसमें क्या आएगा? हाँ, मतलब जिस व्यक्ति का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के माल को हैंडल करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. सो मुझे बताओ डीमार्ट में क्या क्या स्टॉक होगा, मतलब डीमार्ट का क्या क्या गुड्स होगा? अच्छा चलो डीमार्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा. एक काम करते हैं, इजी जाते हैं, राइट? तुम जब अगर किसी कंप्यूटर के शॉप या कार के शॉप में गए तो उनके गुड्स क्या होंगे? क्या मेरे लिए कार गुड्स है? तुम कैप पहने हो सर, जिसने कैप बेची उसके लिए गुड्स क्या है? एब्सोल्युटली राइट. यू गो इन द शॉप ऑफ यू नो दिस क्लोथिंग, सो उनके लिए गुड्स क्या है? सो बेटा ए नलायक दो एक बजे के. सो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर वो प्राइमरीली डील करते हैं. अगर फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करना पड़ेगा मेरा, आपको जाना पड़ेगा किसी शॉप में जहां पर कंप्यूटर मिल रहा है और उनका फर्नीचर देखकर बोलने का, नहीं फर्नीचर रखो वो रखो, मैं तुमको बहुत भारी आइडिया देता है. उनके माता पिता की वहां पर कोई खर्च हो गए होंगे तो उनकी फोटो लगी रहेगी, उसके ऊपर हार लगा रहेगा, देखा होगा ना ऐसे आर्टिफिशियल हार एक से एक भारी. सो उनको पूछने का, ये हार कितने का दिया? कर सकते हो क्या ये काम? सो बेटा जी अगर आप वो हार पूछते हो तो आप क्या चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि बेटा जी इसके अंदर गुड्स क्या है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द ट्रेडिंग अकाउंट यू ओनली डील विद इज गुड्स. सो जो डेबिट साइड है, वेन एवर यू विल रिसीव द गुड्स यू विल राइट डाउन देयर एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू गुड्स यू विल राइट डाउन देयर. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का जो गुड्स यूज नहीं हुआ वो इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक. फिर आएगा परचेसेस, परचेस में सिर्फ गुड्स आएंगे. थर्ड लेवल पर आया कैरेज इनवर्ड. नाउ व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? उसको ट्रांसपोर्ट कर अपने यहां पर लेके आने का जो खर्चा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्रेट. बट अगर मैं कहूंगा कि सेल्समैन, वहां पे बातें हो रही है और प्लीज समझ जाना मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं क्लास से डे वन होगा या डे थ्री होगा मैं बाहर निकालेगा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता और ना मैं वो एडवर्टीजमेंट करता, मेरे को नहीं चलेगा. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, मेरे को नहीं चलेगा. मैं नहीं चाह रहा था कि आज डे वन को बोलूं मैं, बट प्लीज क्लास में डिसिप्लिन चाहिए और ध्यान चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी है, तुम्हारी है मेरी भी है, ठीक है ना? तो बात क्या चल रही थी कि इधर परचेसेस और उससे रिलेटेड जो भी गुड्स के एक्सपेंसेस है वो सारे आ जाएंगे. क्या ये बात क्लिक हुई क्या सभी को? मतलब ऑल द एक्सपेंसेस, इट कुड बी कैरेज इनवर्ड, इट कुड बी वेजेस, विच इज रिलेटेड टू द गुड्स विल कम डाउन हियर ऑन द डेबिट हैंड साइड. डन? हाँ. अब बेटा जी डेबिट साइड में गुड्स है तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? नहीं बाहर निकलेगा, अगर मान लो उससे निकालना है तो क्या निकलेगा? जैसे कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट में डेबिट में कैश है तो बाहर क्या निकलेगा? कैश. मतलब कैश कम्स कैश गोज. सिमिलरली यहां पर क्या आएगा? गुड्स आएगा और गुड्स चला जाएगा. सो गुड्स सेल हुआ तो इधर सेल आएगा. एग्रीड? अगर मान लो यहां पर आपका माल बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा. एग्रीड? अच्छा तुमने माल को बेचा नहीं और कुछ किया, जैसे मेरी बीवी है, पहले मैं साड़ियों का धंधा करता था छोटा था, तब बीवी भी छोटी थी तो उसको साड़ियां बहुत पसंद थी, तो जब मैं शॉप में जाता था तो वो क्या करती थी? साड़ियां मांग लेती थी. अब मैंने साड़ी को बेचा क्या? नहीं. क्या मैंने उसको स्टॉक में रखा क्या? वो लेकर गई. तुम लेकर गई तो तुम मुझे बताओ गुड्स कम हुए कि नहीं हुए? तो जब माल इधर आया तब क्या? बड़ा. जब माल जाएगा तो क्या करेंगे? इट इज सो सिंपल अ लॉजिक. सो मतलब माल जब भी आएगा डेबिट साइड और जाएगा तब क्रेडिट साइड. अब मुझे बताओ माल किन किन कारणों से जा सकता है? सेल, वंडरफुल, ड्रॉइंग ऑफ कैश और गुड्स, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ गुड्स अकाउंट, राइट? ओके, व्हाट एल्स? वाओ, अमेजिंग. लॉस बाय फायर ऑफ कैश, फिक्स्ड एसेट और गुड्स. एब्सोल्युटली. सो ट्रेडिंग अकाउंट इन टोटैलिटी ओनली डील्स विद गुड्स. सो व्हेन गुड्स कम्स इन यू डेबिट इट, ऑल द रिलेटेड एक्सपेंसेस यू डेबिट इट, एंड व्हेन इट गोज आउट इट गेट्स क्रेडिटेड. तो एक क्वेश्चन का इधर और समाधान कर देते. मान लो ये कैलकुलेटर मैंने तोड़ दिया. नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ सच्ची, कुछ नहीं हुआ बाबू, फिसल गया हूं मैं क्या, किसका भी. ये मैंने कैलकुलेटर तोड़ दिया,
टूट गया, ये कैलकुलेटर गायब, ये कैलकुलेटर गया, ठीक है, उठ भाई, वॉलेट में से पैसे निकाल, हाँ आप दूंगा वापस इधर। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। क्या नाम है? हाँ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा नाम, क्या नाम है? हाँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मुझे पैसे दिए, तो मेरे पास क्या आया? कैश आया कि कैलकुलेटर आया? कुछ बच्चों को बहुत मजा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम लिखने का। ट्रेडिंग अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम नहीं आ सकता, बिकॉज दैट इज नॉट गुड्स, इट इज कैश। नहीं समझे? मेरे पास क्या आया? गुड्स आया क्या? सो व्हेन देयर इज अ लॉस बाय फायर, इफ आई हैव इंश्योर्ड इट, ही विल पे मी बैक। सो व्हेन ही इज पेइंग मी बैक, आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम नॉट गेटिंग गुड्स। सो बेटा जी, इंश्योरेंस क्लेम अगर आप याद रखेंगे तो आपने उसका हमेशा जिक्र किया पीएनएल अकाउंट में, नॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट। कंसाइनमेंट में एक बार किया, वो क्यों किया वो बाद में आगे देखेंगे, बट वहां पर भी कॉस्ट ऑफ द गुड्स ही क्रेडिट होता था। सो बेटा जी, ये डेबिट साइड में क्या आया? माल आया, और क्रेडिट साइड में क्या? माल गया। सो लॉस बाय फायर आएगा, फ्री सैंपल्स आएगा, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स आएगा, राइट? सारी चीजें कहां पर आ जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो मतलब अगर हमको, जा भाई अभी ट्रेडिंग अकाउंट को समझना है तो किसका अकाउंट जल्दी से बताओ? गुड्स का। डेबिट में गुड्स आएंगे, क्रेडिट में? परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक ही आइटम है, आई रिपीट, इट इज ओनली वन आइटम विच इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड एट सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, किसी का चॉकलेट है? नहीं नहीं, कंसाइनमेंट। किसी का चॉकलेट है? नहीं खाऊंगा यार। किसी का चॉकलेट है क्या? मम्मी चॉकलेट नहीं इनके पास है। इधर आ जा बेटा। तुम्हारा नाम क्या गुंडी? भक्ति। अच्छा, ये कैलकुलेटर उधर दे दोगे? पकड़ के अच्छे से देना, नहीं तो तू पैसे भरेगी। सो अभी इधर देखो एक बार, ये हमारे सामने जो है वो भक्ति है, दिख रही है सभी को? ये भक्ति के ट्रेडिंग अकाउंट में मैं हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इधर भक्ति ने लिखा टू परचेसेस, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी बेटा? एक रुपए में खरीदी, देखो कितनी बहुत बढ़िया। अभी भक्ति इसको खोलो, खा जाओ। अच्छा, मैं वैरापर के साथ खाती क्या सोच रहा था। सी है सक्सेसफुली ईटन अ चॉकलेट, वंडरफुल। ओके भक्ति गुड़िया, मुझे एक बात बता, तूने चॉकलेट खाई, अगर मान ले तू इसका बिजनेस करती, तूने बाय किया एक में, सेल करती तो कितने में करती? 1.5। ओके, टू तो ज्यादा हो जाता ना बेटा, इतना कौन लूटेगी। बट सपोज मान ले सेल करती तो इसको कितने में करती? 1.5 में। तो ये देखो, सेल किया, इधर लिखा 1.5 और इधर बोला कि प्रॉफिट हुआ, जीपी हुआ 0.5। गुड़िया बराबर है? ओके, अब मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं, भक्ति ने इसको सेल नहीं किया, इसको खा गई। एट, एट की स्पेलिंग बराबर है क्या? एट इज राइट, राइट? हाँ, सो शी एट, खा गई। देख लो अभी खाई है, प्रूफ है मेरे पास। और फिर ये मम्मी को जाके बोल रही, मम्मा प्रॉफिट हो गया 0.5 का। बताओ बेटा मम्मा क्या करेगी? एक झापड़ मारेगी। सभी लोगों को समझ में आएगा क्यों झापड़ मारेगी? क्यों? क्योंकि एक्चुअली यार करेक्ट प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो बैठो बेटा, फ्री सैंपल्स कंजम्पशन, इनसे प्रॉफिट नहीं होता है। टू हैव द प्रॉफिट यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू समबडी एल्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही आइटम है जो सेल वैल्यू पर आएगा। कौन सा? सेल्स और सेल्स रिटर्न ऑफ कोर्स। कौन सा आइटम? बाकी के सारे आइटम किस पर आएंगे? नहीं तो फिर मामा बुआ बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन ड्रॉइंग्स को सेल वैल्यू पर लिखा तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, दैट इज इनकरेक्ट। सो एवरीथिंग, अभी चलो अभी ऊपर अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो सेल्स और ये कौन सी वैल्यू पर है? सेल वैल्यू पर। बाकी के कितने भी आइटम है किस पर है? एट कॉस्ट। से यस। और ये जितने भी आइटम है ये किस पर रहेंगे? एट कॉस्ट। बट सर, मेरी सुंदर टीचर ने मुझे सिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। सो क्लोजिंग स्टॉक कैन बी एट मार्केट प्राइस ना सर? यस यू आर राइट बेटा, बट दैट इज अकाउंटिंग। ओके, लेट मी आस्क समबडी अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ठीक है, लेट मी सी हु कैन आंसर दिस। चलो चलो, साइंस बैकग्राउंड आप बताओगे मेरे को? आप ग्रेजुएट, आओ आप इधर। ठीक है, अब ये बंदा है, अब इसको क्या
साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट है, वी विल ओनली यूज कॉमन सेंस एंड लेट्स सी. सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक ये टोपी है, इस टोपी पर अंदर छेद एक, ये तुमको मालूम है और मुझे मालूम है, ठीक है. सो मुझे बताओ तुमने कितने में खरीदा, कॉस्ट बताओ. 300, ठीक है, मतलब इसके मार्केट प्राइस 300 पकड़ लेता हूँ. नहीं ठीक है, 300 कॉस्ट है, और अब इसमें छेद हो गया, तुमने कर दिया छेद हो गया, एंड नाउ यू टेल मी सेल वैल्यू कितनी रहेगी. चलो 200, बिल्कुल सही, मान सकते हैं हम. अरे मान सकते हैं क्या? अब वो आंसर देना जो लॉजिकली तुम करने वाले हो, हरिश्चंद्र नहीं बनने का, करने वाले हो, ठीक है. मान लो मैंने इस टोपी को आग लगा दी, और मेरे गरीब के पास देखो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो ये बंदा आग लगने के बाद में टोपी जल गई, जीरो वैल्यू हो गई, अगर ये मुझसे पैसा वसूल करेगा तो कितने वसूल करेगा, 300 और 200, इतने कमी ने सच्ची बताओ, 300 वसूल करेगा कि 200? पूरी क्लास इस बात से सहमत है क्या? तुम सहमत हो कि नहीं? कितने मांगोगे? हाँ मतलब डूबे कंपनी डूबे, बट मैं कितने मांगने वाला हूँ? 300. सो बात बेटा आपकी बिल्कुल सही है, ही इज गोइंग टू रिकवर द अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, एंड दैट इज द रीजन हमारे इस टॉपिक में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दिस इज एज पर AS2. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो AS2 हियर. आई ऑलरेडी सेड यू दैट कि हम इस टॉपिक में अकाउंटिंग नहीं सीखने वाले, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ कि वो मुझसे पैसा किस वैल्यू पर मांगेगा, और तुमने आंसर बिल्कुल सही दिया, एट कॉस्ट. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बैठो. ए भाई अभी ट्रेडिंग अकाउंट में बता दो, एक बार रिवाइज कर लेते भाई साहब, एक बार रिवाइज. देखो मैं शुरुआत में बहुत स्लो रहूंगा, बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ना समझ में आए तो जल्दबाजी करके कोई पॉइंट नहीं है, तो दोनों उस पेज से चलेंगे. सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स. बोलो भाई मेरे को नहीं याद आ रहा है. गुड्स आते हैं, गुड्स का मतलब इन विच वी प्राइमरीली डील, ऑल दी आइटम्स कम्स एट सेलिंग प्राइस. बोलो हाँ, कौन सी वैल्यू पर आता है? एट कॉस्ट. एक ही आइटम आता है सेल वैल्यू पर, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, बाकी सारे आइटम किस पर आ जाते? कॉस्ट पर. एंड इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन यू गेट व्हाट? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. हमारी चैलेंज क्या है इस टॉपिक में? आग लगी, लग गई आग. आग लगने के साथ साथ वहां पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, उनका कंप्यूटर था, उसके अंदर और भी कुछ बुक्स थी, वो सब जल गई, माल था वो भी जल गया. सही है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके हम कह रहे हैं कि आप हमें क्लेम दीजिए. इंश्योरेंस कंपनी बोल रही क्लेम तो दे दूंगी, बट कितना वैल्यू था? हम बोल रहे यार ये तो पता नहीं, वो तो जल गया. तो बोले बुक्स दिखाओ, तो बुक्स में भी पता नहीं चल रहा, बुक्स भी जल गई. तो अब सोच के बताओ कि जब आग लगी तो हमारी चैलेंज क्या है? कि स्टॉक कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, स्टॉक सेम रहता है क्या? शायद इस क्लास के बेंचेस सेम रहेगी, बट क्या स्टॉक सेम रहेगा क्या? नहीं. आप एक गोल्ड ज्वेलरी के शॉप में चले जाओ, आप कोई क्लोथिंग के शॉप में चले जाओ, वहां पर बाकी की चीजें शायद कांस्टेंट हो सकती है, बट कैन द स्टॉक बी कांस्टेंट? नो, इट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप मुझे पूछोगे कि स्टॉक कितना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? या तो बुक्स देखनी पड़ेगी, सिस्टम में चेक करना पड़ेगा, या काउंट करना पड़ेगा. अब ये दोनों ही चीजें संभव नहीं है. क्यों संभव नहीं है? क्योंकि स्टॉक जल गया है तो पता नहीं कितना जला, और बुक्स भी शायद ऐसा होगा कि जल गई है तो हमें पता नहीं. क्या किया जाए? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ सन. ही इज सेइंग कि सर अप्रोक्सीमेटली लेंगे शायद सर. ठीक है, बहुत बढ़िया चीज. आप सोचो और मुझे बताओ कैसे पता करेंगे. क्या बेटा? कितना स्टॉक था बेटा? कितना स्टॉक था बताओ? इस क्लास में कितने बच्चे हैं? उसके बाद में मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले ये क्वांटिटी तो पता चाहिए ना. क्वांटिटी जल गई है पूरी. ओके, यस, मुझे देखता हूं यहां पर कोई बच्चा. लास्ट ईयर के टर्नओवर से, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि लास्ट ईयर के टर्नओवर से शायद हो जाए. और वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. कैन वी क्लैप फॉर दिस गर्ल भक्ति एक बार? मुझे नहीं करना. So, भक्ति गेव एन आंसर व्हाट? अभी आप इसको डिकोड करो. वो बोलती है कि सप्लायर से इंफॉर्मेशन लेकर. सप्लायर से मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में जब तुम जाओगे तो वहां पर कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा सप्लाई नहीं करता है. सप्लायर का बकायदा ऑडिट होता है, सप्लायर की क्वालिटी चेक होती है, और उसके बाद में उसको सप्लायर बनाया जाता है.
टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स के जॉब वर्कर बनना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नहीं बन सकते, आपको उनके रजिस्टर्ड डीलर या सेलर के लिस्ट में आना चाहिए, राइट, कि आप उनसे ही परचेस करोगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या, देखो अभी तुम थोड़ा सा फील करो, तुमको ब्रांडेड शूज चाहिए, तो ब्रांडेड शूज का अगर मान लो जॉब वर्क दिया जा रहा है तो नॉट एनी वन कैन टेक द जॉब वर्क, दे गेट रजिस्टर्ड। सो बात है कि आग अपने प्रीमाइसिस में लगी है बट जो हमारे सप्लायर है उनके प्रीमाइसिस पे तो नहीं लगी है, तो सप्लायर से हमने कितना बाय किया ये हमें पता चल सकता है, या जो हमने जीएसटी रिटर्न भरे हैं, तुमको आगे पता चलेगा जीएसटी के रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, जीएसटी रिटर्न्स जो हमने भरे हैं उन जीएसटी रिटर्न्स से हमें पता चल जाएगा कि भाई जी हमने कितना सेल किया था और कितना परचेसेस किया था। जीएसटी में दोनों ही चीजें डालनी पड़ती है, परचेस और सेल के बारे में। तो मतलब हमें एक्स्ट्रा बाहर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें कुछ डेटा निकाल कर लाना पड़ेगा, और वो डेटा कौन सा है, तो पहली चीज है ओपनिंग स्टॉक, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। से यस, बोला हाँ या नहीं? परचेस और परचेस रिटर्न ये हमें कहां से पता चल जाएगा? सप्लायर से। ये भाई टाइम क्या हुआ आज? सप्लायर से पता चल जाएगा, एग्रीड। और बेटा जी यहां पर सेल्स और सेल्स रिटर्न ये कहां से पता चल जाएगा? हमें ये भी हमें पता चल जाएगा या तो जीएसटी रिटर्न से पता चल जाएगा, या हमें पता चल जाएगा हमारे कस्टमर अगर एक ही होंगे तो। जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कस्टमर हो, बट जैसे मान लो मेरे पास टाटा मोटर्स का जॉब वर्क है तो मेरा कस्टमर एक ही है टाटा मोटर्स, यस और नो? तो कई बार कस्टमर हमारे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, बट मान लो कस्टमर रजिस्टर्ड भी नहीं है तो हमें कहां से डेटा पता चल सकता है? जीएसटी रिटर्न से। क्यों भाई साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहां से पता चलेगा? ओपनिंग स्टॉक कहां से पता चलेगा? परचेस और परचेस रिटर्न कहां से पता चलेगा? सप्लायर या जीएसटी रिटर्न? सेल्स पक्का। तो मैं एक बात पूछू क्या, ये सब चीजें तुमको एग्जाम में करनी है क्या? नहीं, ये मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई कि हम कहां से डेटा का जुगाड़ करेंगे, बट एग्जामिनर तुमको ऐसा सल्यूट मार के ये सारा डिटेल्स देगा, तुमको इसका कुछ भी नहीं करना है। ये समझ में आया क्या? तो एग्जामिनर क्या क्या देगा आपको? ओपनिंग स्टॉक देगा, परचेसेस देगा, सेल्स देगा, परचेस रिटर्न देगा, सेल्स रिटर्न देगा, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताया कि रियल लाइफ में कैसे डेटा जुगाड़ किया जाता है। डन, सभी को क्लियर है? कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप? सुना अभी क्या होता है, अभी क्या हुआ ना बाबू, बाबू एक बच्चा था, मैं ही था यार, क्यों दूसरी बातें करूं, मैं ही था, लाइक यू नो आई स्कोर्ड इन माय पर्टिकुलर एग्जाम 40%, देन आई स्कोर्ड 45, देन आई स्कोर्ड 50, देन आई स्कोर्ड 65, 75, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। अब तुम अंतर्यामी हो, बताओ मैंने नेक्स्ट साल में कितने किए? अच्छा ठीक है, 75 के ऊपर या नीचे? मैं बहुत भारी बातें बोल रहा हूँ ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भारी बात है आ रहा है, ओके। तो मुझे बताओ सिक्स्थ ईयर में मैंने कितना किया? अबाउट 75, इट कुड बी 85, इट कुड बी 82, इट कुड बी 83, बिकॉज व्हाट हैव यू अंडरस्टूड दैट देयर इज अ ट्रेंड। आज एक पते की बात भी बता दूं कि जिन जिन लोगों के एम्बिशंस है बहुत बड़े बड़े, उन लोगों ने एक बात मेरे से समझ लेनी जरूरी है कि एम्बिशंस को अचीव करने के लिए इसी स्टेट से जाना पड़ता है, डायरेक्टली 40% से 83% कोई नहीं जाता है, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट, सो बियर दिस इन योर माइंड। बट एनी विच वेज टू मूव अहेड नाउ, 83% तक मैं बढ़ते बढ़ते आया। अब मैं बता रहा हूं मेरा लास्ट ईयर मेरा जीपी था, सपोज मान लो कोरोना नहीं है, लास्ट ईयर माई जीपी रेट वॉज 20%, पिछले 7 सालों का मेरा जीपी रेट है 20%, 20% हो सकता है, 23% हो सकता है, 22% हो सकता है, बट एक ट्रेंड होता है ना। अब अगले साल कंपनी बोलती है कि मैं यही प्रोडक्ट बेचूंगी 80% प्रॉफिट पर, इज इट पॉसिबल? नो, आर यू श्योर अबाउट इट? कैसे? प्रोडक्शन ज्यादा निकल गया तो क्या होगा? नहीं, आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दूं। तुमने कार के प्राइसेस कितनी बार बढ़ते हुए देखी है? मतलब हर रोज बढ़ती होगी, है ना? हर रोज बढ़ती, कम ज्यादा होती है? हाँ होती है। पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट हर रोज कम ज्यादा, मैगी हर रोज कम ज्यादा होती है? से यस। शूज के प्राइसेस हर रोज कम ज्यादा होती है? तुम ऐसे क्या बात करो, तुम गधे हो क्या? सच्ची सच्ची बताओ ना। ये तुम जो चीजें यूज करते हो, मोबाइल, यस, आज प्राइस कम ज्यादा होती है? प्राइस कम ज्यादा नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज फोकस। कुछ चीजों की प्राइसिंग फिक्स कर दी जाती है और उसका जीपी रेट डिसाइड कर लिया जाता है,
और जब तक कि बहुत हैवी बदलाव नहीं हो तब तक उसकी प्राइसेस को चेंज नहीं किया जाता है। आप देखो मेडिसिन की प्राइसेस चेंज होते हो, आपने कितनी बार देखा है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन कि मतलब क्रोसिन का प्राइस आज इतना है कल दूसरा परसों और कोई, नो द प्राइसिंग इज नॉट डायनामिक। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज यू नो कि बेटा जी बड़ी बड़ी कंपनियों में विच वर्क ऑन अ वेरी लार्ज स्केल उनका जीपी रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है या जीपी रेट उनको पता होता है कि कितना जीपी रेट उनको कमाना है। तो मानो या मत मानो कई सारी आप ये देखेंगे ना, जैसे हमारा पेनड्राइव का बिजनेस है तो पेनड्राइव का आपको क्लासिक एग्जांपल लेता हूं। अभी तक हमारी निर्भरता हमेशा पेनड्राइव के लिए किस पर थी, चाइना पर। अभी जो माल आता है वो इंडोनेशिया से या ताइवान से घूमकर भी आता है कई बार। सो पेनड्राइव की जो रेट्स है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑल्सो। बट बावजूद उसके सामने वाला व्यक्ति जब मुझे बेचता है वो माल तो वो अपना एक पर्टिकुलर मार्जिन जोड़कर ही मुझे बेचता है। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके जीवन में और आर्टिकलशिप में जाओगे तो प्रत्येक बिजनेस का एक पर्टिकुलर जीपी रेट है। तुम सभी लोगों ने एक काम तो किया होगा, देखो सभी लोगों ने जीवन में एक तो काम किया ही होगा, क्लास में बैठे हुए कितने बच्चे खटखटखट, कितनी फीसें खटखटखट, इतने तो एक्सपेंसेस रहे होंगे, चलो इतने और मान एक्सपेंसेस माइनस, और तुमने जीपी निकाला, यस और नो, और तुम सही थे, वो जीपी उतना ही रहता है, वो जीपी हर साल उतना ही रहता है कि नहीं रहता है, तुम कंफ्यूजन मत हो। अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, इन परसेंटेज टर्म तो मान लो मुझे अगर 100 रुपए मिले तो 100 रुपए में 20 रुपीज प्रॉफिट, मुझे 200 रुपए मिले तो 40 रुपीज प्रॉफिट, 1000 रुपीज मिले तो 200 रुपीज प्रॉफिट। डू यू थिंक सो माई जीपी रेट इज कॉन्स्टेंट? यस। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भाई कोई एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है कोई पर्टिकुलर चीज का, मोबाइल का, उसका इस साल जीपी रेट था 20%, अगले साल हो गया 200%, नॉट पॉसिबल सर, अनलेस एंड अंटिल इट इज एन एबनॉर्मल इवेंट लाइक कोरोना जिसके अंदर अप पर माल बिका, ऑन पर माल बिका, बट अदरवाइज तुम ये पंखे देख लो, कोई भी चीज देख लो, उनका जीपी रेट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आई क्या? वे मुझे नहीं समझ में, जीपी रेट क्या होती है? आवाज नहीं आ रही है। ले भाई समझ गया फिर तो अभी बात। तो बेटा जी क्या मुझे परचेसेस मिल जाएगा क्या? मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा क्या? मुझे क्या क्या मिल जाएगा? मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा कहां से? मुझे परचेसेस मिल जाएगा क्या? मुझे सेल्स मिल जाएगा क्या? क्या मुझे जीपी भी मिल सकता है क्या? कैसे? मेरे पिछले साल के जो मैंने ITR भरे होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरे होंगे, तो उससे मेरे पास क्या मिल जाएगा? जीपी रेट मिल जाएगा। सो बेटा जी मुझे यहां पर 2GP इस सेल्स का एक परसेंटेज मिल जाएगा, यस और नो? तो जैसे ही मैंने सेल्स लिखा उस सेल्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज में क्या लिख दूंगा? जीपी से, यस और नो? और जीपी लिखने के बाद में एक्सपेंसेस वगैरह सारे हमको कहीं ना कहीं से पता चल जाएंगे, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, जो कोई भी एक्सपेंसेस हमें पता चल जाएंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। सो टू पुट इट इन अ शॉर्ट इन अदर वे राउंड, ये देखो ऐसा मुझे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, मुझे अभी ये लिखना नहीं आपने, मुझे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पता चल जाएगा क्या? मुझे परचेसेस पता चल जाएगा क्या? मुझे सेल्स पता चल जाएगा? मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना, लाइक झूठ बोलता है। क्या मुझे बाय ये पता चल जाएगा कि ड्रॉइंग ऑफ गुड्स ये देंगे मुझे? और बेटा जी मुझे बताओ सेल्स पर क्या रहेगा? जीपी। तो क्या मुझे जीपी पता चल जाएगा क्या? सो मुझे ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, मुझे परचेसेस पता चल गया, मुझे सेल्स पता चल गया, मुझे ड्रॉइंग्स भी पता चल गया, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको इसमें क्या करना है बेटा जी? बाय क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, समझे कि नहीं? फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद में क्या करते बता? और इतना ईजी नहीं रहेगा, तुमको लग रहा है बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं रहेगा, इसमें कांड होंगे कई सारे, और फिर उसके बाद में हमको पता करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। बट मुद्दा समझ में आया क्या? पर आज जाते जाते मुझे इतनी सी बात होता, अरे यार ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही आइटम होता है संतोष जो सेल वैल्यू पर होता है, हाँ, और परचेसेस, परचेस रिटर्न, फ्रेट, अच्छा ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, फ्री सैंपल, मतलब सारे आइटम किस पर होते हैं? अरे ट्रेडिंग के डेबिट में क्या होता है यार? गुड्स चले जाते हैं, आते हैं कि जाते हैं? और क्रेडिट साइड में ब्रर। सो मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड्स विल गो आउट, डेबिट में इट विल कम इन। ठीक है, अभी सुनो शांति से, सुन रहे हो क्या?
एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, कभी भी मेरे क्लास में आओ, भूखे नहीं आना, खाली पेट नहीं आना। तुमको अगर भूख लगी है, कुछ खाना है, मेरे क्लास में अलाउड है। मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर तुम भूखे बैठे हो और तुम खा नहीं रहे हो, तकलीफ में खुद को नहीं लेके आना। पानी पी लेना, पानी ना हो तो मुझसे मांग लेना, मैं कुछ जुगाड़ करा दूंगा, ठीक है। चौथी चीज, हर रोज व्यवस्थित खाना खाना। तुम्हारे माँ बाप कितने बच्चे बाहर से है? देखो बेटा मेरी जिम्मेदारी है, अरे तुम्हें एक दूसरे के दोस्तों अभी है ना, हाँ यहाँ काम, वो बात भी सही है। पुणे से कितने लोग, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो भाई तुम्हारे मजे है, बस पुणे के बच्चों से इतनी रिक्वेस्ट है, जो गाड़ी पर आएंगे, जो भी घाई करने की है, जो भी घाई करने की है घर पर करने की है, रास्ते में कोई घाई नहीं करेगा। मेरे क्लास में लेट आया तो चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर रोज लेट आओगे। एक आध दिन मेरा दिमाग घुमा तो उठक बैठक कराऊंगा मैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को रास्ते पर घाई नहीं चाहिए, आराम से आओ। खाना पीना हर रोज खाना, क्योंकि खाओगे पियोगे नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी। मेरे क्लास में खाना अलाउड है, तुम्हारे बाजू वाले को देख लेना, अगर उसको लगे तो थोड़ा बहुत दे देना। मैं आपका खाना कभी नहीं, मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि मैं बच्चों से देख रहा होता हूँ, वो कुछ खा रहा होता है और खाते खाते ऐसे कर देता। मैं आज तक किसी का खाना चुरा कर नहीं खाया हूँ, तुम्हारा भी नहीं खाऊंगा, बिंदास तो के खा लेना, समझ आए। पानी आराम से पीते रहना, और बेटा प्लीज अपनी तबीयत का ध्यान रखना, लेक्चर मिस हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ए रसगुल्लो, प्यार से भाई बोलो। और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, आप सब लोग आए, क्योंकि यार बहुत मिस कर रहा था आप सभी लोगों को, तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर। मैं थोड़ी देर इधर बैठूंगा, आप जा सकते हो, किसी को कुछ बात करनी होगी तो मैं बैठूंगा, ठीक है। बाकी के लोग जा सकते हैं, यूट्यूब के बच्चे होंगे तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं बात कर लूंगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।